तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू तो जितने भी लोग विश्वास रखते हैं इस चीज में कि संभव असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है अगर आप कायदे से मेहनत करें और कायदे से आप चीजों को एग्जीक्यूट करें ओके तो इसी के साथ आपका आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तो लेक्चर नंबर एट है तो अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और मैं बता देता हूं मेरा नाम है कविंद्र कृष्णा और मैं डील कर रहा हूं नेटवर्क थ्योरी तो जो क्रैश कोर्स गेट अकेडमी ने डिजाइन करा है फॉर गेट टू टू के लिए और अगर आपका टारगेट है कि आप गेट 2022 में अच्छा रेस्पॉन्स करें तो ये क्रैश कोर्स आप ही के लिए तो तो ए सी एंड रेजोनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं यहां से और आगे बढ़ता हूं तो मैं बता देता हूं कि जो नेटवर्क थ्योरी का क्रैश कोर्स है उसको हमने छ मॉड्यूल में डिवाइड कर रखा है मॉड्यूल वन टू थ्री फोर कंप्लीट ऑलरेडी हो चुके हैं तो जिन लोगों को को भी पता नहीं है कि मॉड्यूल वन टू थ्री फोर कंप्लीट हो चुके हैं या जो लोग भी नए हैं वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें क्योंकि डेली अपडेट आती रहती है कल का जो हमारा सेशन था उसका नोट्स अभी तक मैं नहीं दे पाया हूँ ठीक है तो आज मैं दोनों सेशन के नोट्स आपको दूंगा यानी कि कल के सेशन के भी दूंगा और आज के सेशन के भी दूंगा ठीक है तो अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो रनिंग हमारा फेज चल रहा है ए सी एंड रेजोनेंस पर तो हम लोग बात कर रहे हैं रेजोनेंस की ए सी का पार्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है अभी रेजोनेंस पर हम आ रहे हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स पावर एंड लोकस डायग्राम ठीक है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा चैट में आपको लिंक मिल चुका है आप देख लीजिए चैट बॉक्स में लिंक है थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको दिख जाएगा कि लिंक मैंने भी शेयर कर दिया है ठीक है तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं डालेंगे सभी लोग लेक्चर नंबर सिक्स सॉरी एट लेक्चर नंबर एट और आज की डेट डालेंगे और कल जहां हमने ब्रेक करा था मैं उसी के आगे से आज स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है कल जहां पर ब्रेक करा था उसी के आगे से स्टार्ट कर रहा हूं एक बार मेरे को बता देंगे कल जितने भी लोग प्रेजेंट थे लास्ट मैंने कौन से नंबर का पॉइंट आपको छोड़ा था एक बार बता देंगे कि लास्ट मैंने कौन से नंबर का पॉइंट छोड़ा था उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करते हैं वहीं से कंटिन्यू करेंगे तो पॉइंट जो था वो अगर हम देखें तो आठ या नौ नंबर वाला पॉइंट था ठीक है आठ या नौ नंबर वाला पॉइंट था ठीक आठ नंबर या नौ नंबर वाला पॉइंट था एक बार बता देंगे सभी लोग उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं और मैं लिखता हूं नेक्स्ट पॉइंट ठीक है तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं टेन नंबर का पॉइंट ठीक है तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर लिखेंगे क्वालिटी फैक्टर तो सीरीज आर हमारा चल रहा था उसमें हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर तो कल मैंने बहुत अच्छे अच्छे की पॉइंट लिखाए और आपसे बोला था कि ना इनको पढ़कर आइएगा इनको पढ़कर आइएगा तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं क्वालिटी फैक्टर से तो यहां से स्टार्ट करेंगे क्वालिटी फैक्टर हाँ नो no. तो दस नंबर पर स्टार्ट करेंगे क्वालिटी फैक्टर से और क्वालिटी फैक्टर से स्टार्ट करेंगे क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ठीक है यहां लिखेंगे नीचे इट ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ठीक है इट ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी ठीक है तो स्टार्ट करेंगे लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी इट इज़ कॉल्ड एज़ सेलेक्टिविटी। तो क्वालिटी फैक्टर को हम क्या बोलते हैं और सेलेक्टिविटी तो स्टार्ट करेंगे यहां से क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेलेक्टिविटी और इसको डिफाइन कैसे करते हैं क्वालिटी फैक्टर को तो क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करते हैं क्यू इक्वल टू क्यू इक्वल टू रहता है हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्यू इक्वल टू रहता है सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई डिवाइड बाई बैंड ब्रर्थ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई बैंड ब्रर्थ ठीक है रेजोनेट फ्रीकवेंसी डिवाइड बाई बैंड ब्रर्थ तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं ओमेगा नॉट डिवाइड बाय बैंड ब्रथ ठीक है तो रेजोनेट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड ब्रथ तो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर हमको बताता है कि हमारा जो सर्किट है कितना सेलेक्टिव है कितना सेलेक्टिव है किसके रेस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के रेस्पेक्ट में कितना सेलेक्टिव है कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी को आराम से चूज कर सकता है so सो उसमें से आप करेक्ट चूज कर पा रहे हैं जो फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है सो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिविटी तो सेलेक्टिविटी हमको यहां से मिल रहा है ठीक तो है तो सेलेक्टिविटी हमने बताया था तो लास्ट में मैंने की पॉइंट छोड़ा था एक ठीक है उसमें मैंने बताया था अंडर अंडरवुड एन स्क्वायर माइनस वन उसके बाद कुछ कुछ ऐसी बात करी थी ठीक है तो उसके बाद अब नेक्स्ट यहां से कॉन्टिन्यू करेंगे टेंथ पॉइंट क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंड बेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको हमें एकदम याद रखना एकदम याद रखना इसको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंड बेट ठीक है तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंड बेट इसकी यूनिट क्या होगी इट इज द यूनिट लेस क्वांटिटी इट इज द यूनिट लेस क्वान्टिटी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंड बेट इट इज़ द यूनिट लेस क्वान्टिटी ठीक है इट इज़ द यूनिट लेस क्वान्टिटी तो इसको और सही से अगर लिख लें ठीक है अगर हम इसको लिख लें और सही से तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा Q इक्वल टू रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा नॉट बैंडबिट को हम कैसे लिखते हैं ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल या फिर हम इसको कैसे लिखते हैं ओमेगा नॉट अपॉन अपॉन बैंडबिट को और कैसे लिखते हैं बैंडबिट को लिखते हैं सर आर बाई एल सीरीज आर में सीरीज आर में सिर्फ सीरीज आर में ठीक है तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज आर एल सी में यहाँ लिख देता हूँ सीरीज ताकि कन्फ्यूज़न ना हो ये सीरीज के लिए है ठीक है ये सीरीज के लिए आर बाई एल तो यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एल को ऊपर पहुँचा देते हैं तो ये हो जाएगा सर ओमेगा नॉट एल अपॉन आर ठीक है तो रेजोनेट सॉरी क्वालिटी फैक्टर हमको कैसे भी मिल गया एक ये मिल गई हमको क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ओमेगा नॉट एल अपॉन आर ठीक है तो क्वालिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है आर पर भी डिपेंड करता है एल पर भी एंड रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर भी ठीक है ये और हमको मालूम है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है रेजोनेंट <laughs> फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है अगर हम देखें ध्यान से तो हमको मालूम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इधर मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या होती है बन अपॉन अंडर रुड ऑफ एल सी ये होती है बन अपॉन अंडर वुड ऑफ एल सी ये रहती है रेजुनेट फ्रिक्वेंसी अगर मैं ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ यहाँ लिख देता हूँ तो क्वालिटी फैक्टर कितना बन जाएगा अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो क्वालिटी फैक्टर कितना बन जाएगा तो क्वालिटी फैक्टर बन जाएगा सर बन अपॉन आर अंडरवुड एल बाई सी बन अपॉन आर अंडर वुड एल बाई सी ये बन जाएगा क्वालिटी फैक्टर आफ्टर पुटिंग द ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडर वुड एल बाई सी आफ्टर पुटिंग ओमेगा नॉट इक्वल टू अंडरवुड एल बाई सी तो हमारा आंसर यह आ जाएगा बन अपॉन अंडरवुड एल वाई सी ये यह हमें यहां से निकल जाएगा ठीक है यहां से निकल जाएगा अब अगर आप यहां से ध्यान से देखोगे इस बात को किस बात को यहां पर नीचे दो पॉइंट में लिखता हूं आप इसके नीचे लिखिएगा दो पॉइंट क्या पॉइंट लिखता हूं अगर मैं आपसे बोलूं इफ, इफ 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 अगर मैं यहां से आपको बोलूं इफ इफ, इफ बैंड अगर हमारे सर्किट की बैंड इंक्रीज करते हैं तो क्वालिटी फैक्टर पर क्या फर्क पड़ेगा इफ द बैंडविड्थ इंक्रीज इज देन वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज डिक्रीजेस देन वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज डिक्रीज तो अगर क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यह होगा लेस तो यह होगा हमारा क्या लेस सेलेक्टिव लेस सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रीक्वेंसी तो को ना लेस सेलेक्टिव करेगा कम से कम फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेगा और अगर मैं यहीं पर यह बोल दूं आपसे अगर मैं इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बोल दूं इफ बैंडविड्थ इज डिक्रीजेस यानी कि आपके पास बैंडविड्थ कम है तो इसका असर क्वालिटी फैक्टर पर क्या पड़ेगा क्वालिटी फैक्टर इज इंक्रीजेस और जब क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब यह होता है दैट इज मोर सेलेक्टिव मोर सेलेक्टिव इट इज़ मोर सेलेक्टिव ठीक है मोर सेलेक्टिव इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर सेलेक्शन मोर होगा अगर सेलेक्शन मोर होगा तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कर्व आएगा ठीक है रेजोनेंस का कर्व आएगा जो भी आपका रेजोनेंस कर्व आएगा दैट इज मोर शार्प तो जो रेजुनेंस कर्व आएगा ना देट इज़ कॉल्ड मोर शार्प ठीक है मोर एंड मोर शार्प उसमें बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस होगी क्या होगी बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस तो रेजोनेस कर्व इज मोर शार्प ठीक है और अगर मैं इसमें बात करूं लेस सेलेक्टिव में तो इसका जो रेजोनेंस कर्व आएगा इसका जो रेजोनेंस का कर्व आएगा तो इसका जो रेजोनेंस का कर्व आएगा दैट इज लेस शार्प ठीक है तो ये ज्यादा शार्प नहीं होगा दैट इज कॉल्ड लेस शार्प ठीक है लेस शार्प क्या बताना चाह रहा हूं कौन सा रेजोनेंस का कर्ब बताना चाह रहा हूं मैं आपको कौन सा रेजोनेंस का ये सब मैं इसलिए लिखा रहा हूं कि ताकि आप जब क्वेश्चन कर रहे हो और अगर क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर कम या ज़्यादा दे रखा हो तो आपको तुरंत पिक्चर आ जानी चाहिए दिमाग में कि क्या होने वाला है आगे तो इसलिए ये सब पॉइंट्स यहाँ लिखाए जा रहे हैं तो इस जो दो पॉइंट मैंने लिखाए हैं इसका मतलब क्या है इन दोनों पॉइंट्स का मतलब क्या है इन दोनों पॉइंट्स का ये मतलब है कि अगर हमारे पास दो कर्व हैं दो रेजोनेंस के कर्व मान लेता हूं मैं रेजोनेंस के दो कर्व ले लेता हूं यहां पर छोटे छोटे ये इस तरीके के मैं दो कर्व बना लेता हूं यहां पर ठीक है दो कर्व अगर मैं बना लूं तो सर ये है उमेगा और सर ये भी उमेगा है ठीक है सीरीज रेजोनेंस है तो विद रेस्पेक्ट टू करेंट बना लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू करेंट बना लेते हैं ठीक है विद रेस्पेक्ट टू करेंट तो इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू करेंट यहाँ से बना लेते हैं ठीक है विद रेस्पेक्ट टू करेंट तो यहाँ पर अगर मैं दो तरीके के कर्व बनाऊंगा मान लो एक कर्व मैं इस तरीके का बनाता हूं ये ये और एक कर्व मैं इस तरीके का बनाता हूं ये दो कर्व मैंने बनाए ठीक है दो कर्व बनाए तो अगर मैं यहां पर बैंड ब्रट की बात करूंगा यहां पर अगर मैं बैंड ब्रथ की बात करूंगा तो बैंड ब्रथ कहाँ मेजर करी जाती है ये आपको पता होना चाहिए बैंड ब्रथ कहाँ मेजर करी जाती है थ्री डी पॉइंट्स पर ठीक है थ्री डी पॉइंट्स पर यह कौन सा पॉइंट होता है ये होता है सर रेजोनेंट ये होता है रेजोनेंट पॉइंट ठीक है ये यहाँ पर पीक मिलती है ये है रेजोनेंट पीक ठीक है ये रेजोनेंट पॉइंट होता है इसके करेस्पॉन्डेंस अगर हम फ्रीक्वेंसी देखेंगे नीचे की तरफ ठीक है ये होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती है सर ओमेगा नॉट ये क्या होती है ओमेगा नॉट और ये पॉइंट होते हैं थ्री डी बी पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं सर ये थ्री डी बी पॉइंट थ्री डी बी पॉइंट कौन से होते हैं जिन पर पावर हाफ हो जाती है जिन पर क्या हो जाती है सर पावर जो है हमारी हाफ हो जाती है ठीक है सर्किट की पावर हाफ हो जाती है जो भी टोटल पावर आ रही है तो ये दो थ्री डीबी पॉइंट होते हैं ध्यान क्या रखना है दो थ्री डीबी पॉइंट होते हैं ध्यान क्या रखना है जब भी थ्री डीबी पॉइंट की बात आएगी ध्यान क्या रखना है आपको आपको क्या चीज़ अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखनी है क्या रखना है हमेशा क्या रखना है कि जब भी थ्री डीबी पॉइंट आएंगे तो इसमें दो पॉइंट होते हैं थ्री डीबी के एक होता है लोअर थ्री डीबी एक होता है अपर थ्री डीबी अगर इस वाले पॉइंट के करस्पोंडेंस फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे ये ये हो जाएगी लोअर थ्री डी बी और इस वाले पॉइंट के करेस्पोंडेंस अगर फ्रीक्वेंसी मेजर करोगे तो इसको बोलते हैं अपर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी एच और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैंड बर्थ दैट इज कॉल्ड बैंड बर्थ तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड बैंड बर्थ क्या होती है बैंड ब्रर्थ और यहाँ पर थ्री डी पॉइंट पर जो वैल्यू होती है करेंट की वो कितनी होती है जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी डिवाइड बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू और मैक्सिमम वैल्यू ये है मैक्सिमम वैल्यू यहां मिलेगी ये ये है आई मैक्स दिस इज कॉल्ड आई मैक्स ठीक है ये है आई मैक्स तो सीरीज रेजोनेंस में आई मैक्स कितना होता है आई मैक्स होता है रजिस्टेंस का वोल्टेज डिवाइड बाई आर या फिर इसी को बोलते हैं सोर्स वोल्टेज डिवाइड बाई आर ये होता है आई मैक्स दिस इज द आई मैक्स तो यहां पर हमको बैंडब्रर्थ मिली तो मैं यहां लिखूंगा इसको ये कर्व नंबर वन है इसका नाम दे देता हूं मैं कर्व वन ये हमको मिल रहा है कर्व वन तो यहां से मिलेगी मेरे को बैंड ब्रथ वन यहाँ से मिलेगी मेरे को बैंडब्रर्थ वन ठीक है ये ये हो गई बैंड ब्रथ वन अब अगर इसकी बात करें कर्व नंबर टू की तो कर्व नंबर टू में जरा थोड़ा सा हम क्या करते हैं इसमें इसमें भी बात कर लेते हैं इसकी मैक्सिमम पीक ये होगी ये ये मिलेगा हमको इसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नंबर टू ठीक है इसमें भी हमारे पास दो थ्री डी बी पॉइंट मिलेंगे कट मार दो थ्री डी बी पॉइंट पर ये ये दो थ्री डी बी पॉइंट मिलेंगे इसमें या नहीं यस yes, सर मिलेंगे ये थ्री डी बी पॉइंट है अपर थ्री डी बी कौन सा होगा लोअर कौन सा होगा ये तुमको मालूम है क्या यस yes, सर ये भी मालूम है ये हो जाएगा सर लोअर थ्री डी बी सर ये हो जाएगा अपर थ्री डी बी दिस इज़ द अपर थ्री डी बी ओके हो जाएगा सर अपर थ्री डी बी ये हो जाएगा सर रेजोनेंट पीक ये ठीक है ये हो जाएगा रेजोनेंट पीक, पीक हो जाएगा तो इसमें मैं ज़्यादा मार्किंग नहीं कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ सर ये हो जाएगा हमारा कर्व टू आप अपने हिसाब से कर लेना आप अपने हिसाब से ये मार्किंग कर लेना यहाँ पर क्या क्या वैल्यू आएगी यहाँ क्या आएगी यहाँ क्या आएगी अपने हिसाब से कर लेना मैं नहीं कर रहा हूँ मैं बस इतना लिख रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड बैंड बर्थ नंबर टू दैट इज़ कॉल्ड बैंड बर्थ नंबर टू है ना बैंड बर्थ नंबर टू तो आपको समझ में आ रहा है कि बैंड ब्रथ टू इज ग्रेटर देन बैंड बर्थ वन बैंड बर्थ टू इज ग्रेटर देन बैंड बर्थ वन तो यहाँ से क्वालिटी फैक्टर क्या होगा क्वालिटी फैक्टर क्या होगा तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ कर्व टू एंड क्वालिटी फैक्टर ऑफ कर्व वन किसका क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा टू का या वन का तो भाई वन का ज़्यादा होगा क्वालिटी फैक्टर वन का क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि वन जो है मोर सेलेक्टिव है वन जो है वो मोर सेलेक्टिव है क्योंकि जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतनी फ्रिक्वेंसीज में ये मोर सेलेक्टिव रहेगा तो क्वालिटी फैक्टर ना वन का ज़्यादा है एज कंपेयर टू टू क्योंकि टू के पास एक जो बैंड ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो बहुत बड़ा है उसमें नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज मोर है एज कंपेयर टू कर्व वन तो यहां से हमको क्या सीखना है क्या चीज समझनी है हमको यह समझना है कि अगर नुमेरिकल में क्वालिटी फैक्टर दो क्वालिटी फैक्टर दिए गए हमारे पास मान लो नुमेरिकल में और आपसे पूछा जाएगा कि मोर सेलेक्टिव कौन सा है कौन सा ज्यादा अच्छा काम करेगा मोर सेलेक्शन किस में होगा ठीक है जो आराम से चूज कर पाएगा तो आपको क्वालिटी फैक्टर से समझ जाना है जिसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो सर्किट ना मोर सेलेक्टिव होगा और उसके साथ साथ आपको ये कर्व आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्यों मोर सेलेक्टिव होगा ये बैक माइंड में इमेज ना आपके बननी चाहिए कि मोर सेलेक्टिव क्यों हो रहा है ठीक है क्यों हो रहा है आपके पास एक रीजनिंग होनी चाहिए कि कोई आपसे पूछता है मोर सेलेक्टिव क्यों हो तो आप बोल पाओ कि इसमें बैंडविड्थ कम होगी इसमें बैंडविड्थ ज्यादा होगी तो जब बैंडविड्थ ज्यादा है तो नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज भी ज्यादा होंगी तो वहां से सिलेक्शन करना और एक नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कम होना वहां से सिलेक्शन करना अपने आप में आपको डिफरेंस दिख जाएगा ठीक है तो यह बात हो गई क्वालिटी फैक्टर के बारे में किसके बारे में बात हुई क्वालिटी फैक्टर के बारे में तो क्वालिटी फैक्टर जो हमको बताता है वो बताता है क्या सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसीज ठीक है तो सिलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई अब आते हैं ग्यारह नंबर के पॉइंट पर ठीक है पॉइंट नंबर इलेवन पॉइंट नंबर इलेवन क्वालिटी फैक्टर के रेस्पेक्ट में लिखूंगा क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर ठीक है ये होता है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर ठीक ये तो ओमेगा नॉट एल को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा नॉट एल को क्या लिख सकते हैं इट इज कॉल्ड रिएक्टेंस इसको हम बोल सकते हैं रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्योंकि फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद इंडक्टेंस है फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद इंडक्टर दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस तो ये आ जाएगा रिएक्टेंस इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या रिएक्टेंस तो ये हो जाएगा रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर डिवाइड बाई आर ये भी क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन है क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन ये भी है एक्सेल अपॉन आर मोड ऑफ एक्सेल अपॉन आर ठीक है मोड ऑफ एक्सेल अपॉन आर और एक चीज यहां ध्यान रखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर तभी निकलेगा जब आपके पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी क्या होगी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी होगी तभी क्वालिटी फैक्टर आप बता पाएंगे विदाउट रेजोनेंस में लाए आप क्वालिटी फैक्टर नहीं बता पाएंगे ऐसा नहीं है कि किसी भी सर्किट का आप क्वालिटी फैक्टर निकाल देंगे आपको ना रेजोनेंस में सर्किट लाना पड़ेगा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तब आप क्या बताएंगे क्वालिटी फैक्टर तो अगर मैं यहाँ आगे बात करूँ तो एक्सएल बराबर एक्सएल अपॉन आर हो गया तो अगर अंडर रेजोनेंस की बात करूँ अंडर रेजोनेंस अंडर रेजोनेंस क्या होता है एक्सएल बराबर क्या होता है सर एक्सी एक्सेल बराबर एक्सी होता है इसलिए क्वालिटी फैक्टर को हम और कैसे लिख सकते हैं एक डेफिनेशन और आगी आएगी आगी आपके सामने क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है एक्सी अपोन आर एक्सी अपोन आर ऐसे भी आप लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू एक्सी अपोनर तो एक्सएल अपोन आर भी कर सकते हैं और एक्सी अपोन आर कर सकते हैं क्योंकि रेजोनेंस में ये दोनों बराबर होते हैं ठीक है एक पॉइंट ये हो गया ये हो गया ग्यारह नंबर का एक क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन हमारे सामने ये भी आ गई एक और लिखवा रहा हूं मैं आपको क्वालिटी फैक्टर की देखो कहां कहां से एग्जामिनर पूछता है अगर मैं यहां बात करूं क्वालिटी फैक्टर की एक और दिखा रहा हूं आपको हमको मालूम है क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ एक्सेल अपॉन आर ये होता है ऊपर नीचे मैं करंट की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट एक ही करंट घूमेगी तो ये नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं ये करंट की कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर ठीक है तो क्वालिटी फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा करेंट इंटू रिएक्टेंस ये हो जाएगा सर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर करेंट इंटू रजिस्टेंस सर यह हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टेंस सर ये वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टेंस तो ये हो गया सर क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन और आ गई एक डेफिनेशन सर क्वालिटी फैक्टर की और आ गई ठीक है और अगर मैं बात करूं आपसे कि अंडर रेजोनेंस अंडर रेजोनेंस क्या होता है सीरीज सर्किट में जो भी वोल्टेज होता है इंडक्टर का वही वोल्टेज होता है कैपेसिटर का ये होता है और जो वोल्टेज होता है रेजिस्टेंस का वो वोल्टेज होता है सोर्स वोल्टेज वही वोल्टेज होता है सोर्स वोल्टेज तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा तो मेरे को क्या क्या मिल जाएगा तो एक नई डेफिनेशन सर और मिल जाएगी क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू अगर मैं देखूंगा तो बी एल की जगह लगा दूंगा सर मॉड ऑफ बी सी डिवाइड बाई ये है नीचे बी आर या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ बी सी डिवाइड बाई बी एस ऐसे भी लिख सकता हूँ तो सर एक क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन मेरे पास ये बन गई ठीक है ये तो इतनी सारी मेरे पास क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन बन रही है सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ याद थी क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है ओमेगा नॉट एल अपॉन आर सिर्फ एक ही पॉइंट याद था उससे मैंने इतने सारे डेफिनेशन क्वालिटी फैक्टर के बना दिए ठीक है क्वालिटी फैक्टर के इतने सारे डेफिनेशन बन गए तो आपको ये आना चाहिए याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको आना चाहिए कि मैं क्वालिटी फैक्टर की डायरेक्ट डेफिनेशन बना सकता हूँ डायरेक्ट भी डेफिनेशन बना सकता हूँ और अगर आपको बहुत याद करना है तो आप ये दो याद कर लीजिए क्वालिटी फैक्टर में एक ये याद कर लीजिए और एक ये याद कर लीजिए ठीक है एक ये याद कर लीजिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर और आता हूं मैं एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी है इसकी सीरीज आर सर्किट की देखो क्या है सीरीज आर सर्किट की एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी है वो क्या है देखो ध्यान से क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है क्वालिटी फैक्टर बराबर होता है मॉड ऑफ बी एल अपॉन यहां से ले लेते हैं बी आर या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी एल अपॉन बी एस सोर्स वोल्टेज तो यहाँ से मोड ऑफ बी एल बराबर कितना आ जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ बी एस क्यू टाइम्स ऑफ बी एस ये आ जाएगा क्यू टाइम्स ऑफ बी एस ठीक है ये क्यू टाइम्स ऑफ बी एस तो क्यू टाइम्स ऑफ बी एस अगर आ गया और बाई डिफ़ॉल्ट बाई डिफॉल्ट अगर अगर आपके सर्किट में बाई डिफ़ॉल्ट यहां से मान लेते हैं इफ़ अगर आपके सर्किट में क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन वन आ गया क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन आ गया इसका मतलब ये हो गया मोड ऑफ बी एल इज ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज यही हो जाएगा ना इसका मतलब अगर क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन आ गया तो जो ये वैल्यू आएगी ये हमेशा बड़ी आएगी बी एस से क्योंकि क्वालिटी फैक्टर का मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें तो ये हमेशा बड़ी आएगी तो क्या हो रहा है कि इंडक्टर का वोल्टेज हमेशा कितना आ रहा है बड़ा आ रहा है सोर्स वोल्टेज से तो इंडक्टर का वोल्टेज कितना आ रहा है ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज यानी कि जो आप वोल्टेज निकाल रहे हो और जो लगा रहे हो आप लगा कौन सा वोल्टेज रहे हो बी एस ये इनपुट रहेगा इट इज ग्रेटर देन द इनपुट जो है वो ज्यादा इनपुट से ज्यादा आ रहा है क्या आपका बी एल जो आप निकाल रहे हो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर तो आप जितना लगा रहे हो उससे ज्यादा आपको मिल रहा है सो दिस इज कॉल्ड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन दिस इज कॉल्ड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन ओके दिस इज कॉल्ड वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन तो सीरीज आर एल सी सर्किट को ना वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह भी यूज कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड वोल्टेज एम्पलीफिकेशन और यहां पर अगर ऐसा हो जाए इफ क्यू इज लेस देन वन आ जाए क्यू इज लेस देन वन आ जाए ठीक है क्यू इज लेस देन वन बट नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव होना चाहिए तो क्या हो जाएगा जो ये बी एल है इट मस्ट बी लेस देन बी एस बी एस से कम हो जाएगा तो उसी केस में ना ये वोल्टेज अटैन्युएशन की तरह वर्क करेगा वोल्टेज अटेन्यूएटर ठीक है इट वर्क एज अ वोल्टेज अटैन्यूएटर किसकी तरह वर्क करेगा अटैन की तरह तो एक ही सर्किट है वो दोनों की तरह काम कर रहा है वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह भी काम कर रहा है वोल्टेज अटैन्युएटर की <laughs> अब ये आपको चूज करना है कि आपको सर्किट को कैसे वर्क कराना है ठीक है तो यहां से हमको पता चला कि वोल्टेज एम्पलीफायर है और अगर मैं यहां से मान लो अगर आपको थोड़ा सा एसी की नॉलेज भी है एसी सर्किट की आपको नॉलेज है तो अगर कोई ये कहता है कि यहां से मैं मोड हटा दूं मोड हटा देता हूं तो अगर मैं इसको यहां से मोड हटा देता हूं तो बी एल बराबर क्या आ जाएगा मोड हटाते यहां पर प्लस का जे आ जाएगा प्लस का जे आ जाएगा क्यू इन टू बी एस ये आपको पता होना चाहिए प्लस का जे क्यों आ रहा है प्लस का जे क्यों आ रहा है क्योंकि इंडक्टर में ना वोल्टेज लीड करता है कितने से नाइन्टी डिग्री से तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगा 90 डिग्री से तो यहां पर प्लस का जे आ जाएगा अगर मैं मॉड को ख़त्म करूंगा मॉडुलस को ख़त्म करूंगा तो मेरे को फेजर देना पड़ेगा क्या देना पड़ेगा फेजर देना पड़ेगा क्यों देना पड़ेगा फेजर भाई क्योंकि इंडक्टर के वोल्टेज में फ़ेज रहता है तो यहां पर फेजर देना पड़ेगा इसी की तरह अगर मैं एक पॉइंट और यहां पर लिखूँ एक पॉइंट और लिखूँ इसी ऐसे ही सेम एक पॉइंट और लिखूँ मैं कैपेसिटर के केस में तो अगर मैं यहीं पर लिखूं आप इसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा आप इसी के नीचे लिखिएगा ज़रा ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कैपेसिटर वोल्टेज ऐसे लिख सकते हैं क्या कैपेसिटर वोल्टेज हम ऐसे लिख सकते हैं क्या सर कैपेसिटर वोल्टेज ध्यान से समझना हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कैपेसिटर वोल्टेज इन सीरीज आर एल सी इक्वल टू क्यू डॉट बी एस ऐसे लिख सकते हैं क्या क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन से ऐसे लिख सकते हैं यस सर लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं और अगर मैं यहां से मान लो मोड हटा देता हूं अगर मैं यहां से मोड हटा देता हूं तो बी बराबर कितना आ जाएगा कैपेसिटर के केस में क्या होता है वोल्टेज लैग करता है या लीड करता है सर लैग करता है कितने से नाइन्टी डिग्री से माइनस तो ये हो जाएगा माइनस का जे ठीक है तो लैग कर रहा है तो माइनस का जे और ये आ जाएगा क्यू डॉट बी एस क्यू डॉट बी एस अगर मैं यहां से मोड हटाता हूं ठीक है मोड हटाता हूं तब तो ये आ जाएगा सर इस तरीके से ऐसे आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है और अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे बोलूँ कि अगर मेरे पास अगर मेरे पास इफ़ अगर मैं ये बोल देता हूँ इफ़ क्यू इज़ ग्रेटर देन वन क्यू इज़ ग्रेटर देन वन तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बी सी इज़ ग्रेटर देन बी एस ऐसा लिख सकता हूँ इसका मतलब क्या हो गया वोल्टेज एम्पलीफायर इसका मतलब वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा ये सेम सर्किट और अगर मैं यहीं पर ये लिख दूं इफ़ Q इज लेस देन वन बट नॉन नेगेटिव अगर मैं यहां से लिख दूं Q इज लेस देन वन बट नॉन नेगेटिव तो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ बी सी इज लेस देन बी एस हो जाएगा इसका मतलब क्या हो गया अटैन्युएटर ठीक है अटैनिएटर वोल्टेज को अटैन्युएट कर रहा है कम कर रहा है वोल्टेज अटैनिएटर तो एक ही सर्किट है उसको हम वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह भी वर्क करते हैं और अटेनुएशन की तरह भी वर्क कराते हैं ठीक है थीके? एक ही हमारे पास सर्किट है ठीक है ठीक है तो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ एक सर्किट है तो ये जो मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं ना जो थर्टी नंबर का ये है, ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनर यहीं पर ना गेम खेलता है इन्हीं चीजों के बीच में ना वो एम्पलीफायर और अटेन्युएशन के बीच में ही गेम खेलता है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ये तभी आएंगे जब आपको क्वालिटी फैक्टर के बारे में पता होगा कि क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन क्या है ठीक है तो मेरी तरफ से जितना था सीरीज आर में उतना मैंने आपको बताया ठीक है जितना मेरे को लगता था ये सफिशियंट रहेगा वो मैंने बताया आपको इतना नोट कर लीजिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं अब मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन अब मैं ले रहा हूं एक क्वेश्चन सीरीज आर पर ठीक है हेडिंग डालिए क्वेश्चन सॉरी ठीक है लिखिए क्वेश्चन इसमें लिखिए कंसीडर आ इसमें लिखिए कंसीडर आ सीरीज कंसीडर a सीरीज RLC circuit. Consider सर्किट कंसीडर RLC सीरीज As shown below. सर्किट एज शोन बिलो एज शोन बिलो एज शोन बिलो ठीक है तो मेरे पास एक सीरीज आर एल सी सर्किट है कंसीडर है सीरीज आर एल सी सर्किट एज शोन बिलो तो यहां पर एक सीरीज आर एल सी सर्किट है ठीक सीरीज आर एल सी सर्किट में बना लेता हूँ एक आर है मेरे पास एक एल है मेरे पास और दिस विल बी अ सी ठीक है आर एल सी सर्किट है और यहाँ पर एक सोर्स लगा हुआ है यहां पर एक सोर्स लगा हुआ है इस तरीके का ये ये सोर्स लगा हुआ है इस सोर्स की वैल्यू मैं दे देता हूँ आपको यहां से ये सोर्स की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ ये दे देता हूँ मैं 200 हंड्रेड वोल्ट जीरो डिग्री 200 हंड्रेड वोल्ट जीरो डिग्री और ये वैल्यू मैं आपको दे देता हूं सर 2 ओम ये मैं आपको दे देता हूं टू मिली हेनरी ठीक है और ये दे देता हूं टू माइक्रो फैरट टू माइक्रो फैरट ठीक है ये एक सीरीज आर एल सी हमको निकालना क्या क्या है ठीक है यहां लिखो कैलकुलेट हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है पहला पॉइंट कैलकुलेट ठीक है सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट हमको क्या निकालना है दूसरा पॉइंट हमको निकालना है बैंड ब्रथ बैंड ब्रथ थर्ड पॉइंट हमको निकालना है क्वालिटी फैक्टर फोर्थ पॉइंट हमको निकालना है लोअर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी एंड अपर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी लोअर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी एंड अपर थ्री डी बी फ्रिक्वेंसी और फिफ्थ पॉइंट हमको निकालना है फिफ्थ पॉइंट हमको निकालना है करेंट एट रेजुनेस ये निकालना है करेंट एंड रेजोनेस सिक्स पॉइंट हमको निकालना है करेंट एट रेजोनेस सिक्स पॉइंट हमको निकालना है वोल्टेज एक द इंडक्टर एंड वोल्टेज द वोल्टेज दोल्टेज द कैपेसिटर ये निकालना है सिक्स पॉइंट और सेवन पॉइंट हमको निकालना है सेवन पॉइंट निकालना है वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ आई एट ओमेगा एल एंड ओमेगा एच ये ये सात पॉइंट हमको निकालने हैं एक हमको सीरीज आर एल सी दे रखा है इसमें हमको ये सात पॉइंट कैलकुलेट करने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात सात पॉइंट्स हमको कैलकुलेट करने हैं ठीक है चलो और सात पॉइंट हमको कैलकुलेट करने हैं तो हम कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ ठीक अब यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं एक सीरीज आर एल सी सर्किट दे रखा है ठीक है सीरीज आर एल सी सर्किट हमको दे रखा है क्या दे रखा है सीरीज आर एल सी सर्किट ये दे रखा है तो सीरीज आर एल सी सर्किट हमको दे रखा है अब हमको चेक करना है कि यार ये ना इसका हमको क्या क्या बोला गया है इसके लिए हमको क्या क्या बोला गया है ये हमको चेक करना है ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी क्या निकालना है रेजोनेंट तो तो फ्रिक्वेंसी तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी सीरीज आर एल सी हमको दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारे पास आर ये हो जाएगा एल और ये हो जाएगा सी यहां से करंट जाएगी आई और इधर से वापस आ जाएगी करंट आई ये ये हो जाएगा हमारा सप्लाई वोल्टेज दिस इज आवर सप्लाई वोल्टेज ठीक है ये अब हमको निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करते हैं सबसे पहले हमको निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा नॉट बराबर क्या होता है डायरेक्ट लगाएंगे अंडर उड ऑफ एल बाई सी अंडर वुड ऑफ एल वाई सी ये सीरीज आर एल सी का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है तो अंडर वुड एल वाई सी तो इसमें वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना आ जाएगा वन अपॉन अंडर रूट कितना आ जाएगा टू इंटू टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन टू इंटू टू इंटू टेन टू दावर माइनस नाइन माइनस नाइन आ जाएगा ना ये मिली है माइक्रो है तो थ्री और सिक्स मिलकर कितना बनाएंगे माइनस नाइन ठीक है तो माइनस नाइन तो ये हो जाएगा इतना अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा सॉल्व करने पर अगर हम देखेंगे तो सॉल्व करने पर हमको क्या मिल सकता है यहाँ पर तो ओमेगा नॉट इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या लिखे हम और हाँ हा, क्या लिख सकते हैं इसको ना इसको ट्वेंटी कर दो तो थोड़ा सा और आसान हो जाएगा इसको ट्वेंटी कर देते हैं इसको ना टू की जगह ट्वेंटी कर देते हैं मैं इसको टू की जगह ट्वेंटी कर देता हूँ थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे लिए ठीक है इसको कर देते हैं ट्वेंटी माइक्रोफैरेट ट्वेंटी माइक्रोफेरेट तो ये ट्वेंटी माइक्रोफेरेट हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा ये ट्वेंटी हो जाएगा ये हो जाएगा जीरो ट्वेंटी माइक्रोफेरेट ठीक है तो ये हो जाएगा बन अपॉन कितना हो जाएगा जल्दी कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट फोर इंटू टेन टू दी पावर माइनस एट तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ बचेगा टेन टू दी पावर फोर डिवाइड बाई टू टेन टू दी पावर फोर डिवाइड बाई टू तो टेन टू दी पावर फोर डिवाइड बाई टू का मतलब ये हो गया ये हो जाएगा फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड क्या हो जाएगा फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड कितनी आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड ओके तो ये आ गई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अब अगर इसके और बात करें यहां पर अब अगर आपको एफ नॉट निकालना है मान लो हर्ट्स में तो एफ नॉट बराबर होता है कितना ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई ये होता है एफ़ नॉट क्योंकि ओमेगा नॉट बराबर कितना होता है टू पाई एफ़ तो एफ नॉट बराबर हो जाएगा ओमेगा नॉट अपॉन टू पाई तो ओमेगा नॉट कितना आ रहा है हमारे पास फाइव के फाइव के डिवाइड बाई टू पाई फाइव के डिवाइड बाई टू पाई तो ये वैल्यू निकालोगे तो ये हर्ट्स में आ जाएगी ठीक है हर्ट्स में आ जाएगी तो फाइव के अपॉइंट फाइव अपॉइंट टू पाई तो मैं अगर कैलकुलेट करूं तो इसको ऐसा लिख सकता हूं फाइव इंटू जीरो पॉइंट वन सिक्स के ठीक है तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा एट्टी जीरो पॉइंट एट ठीक है जीरो पॉइंट एट किलो हर्ट्स, इतना हो जाएगा जीरो पॉइंट एट किलो हट्स जीरो पॉइंट एट किलो हट्स ठीक है तो ये एफ नॉट बराबर कितना आ जाएगा जीरो पॉइंट एट लगभग लगभग इतना आ जाएगा एग्जैक्ट नहीं निकाला है मैंने अप्रॉक्सीमेट निकाल दिया है ठीक है वन अ टू पाई की वैल्यू मैंने जीरो पॉइंट वन सिक्स लिख दी अपनी तरफ से ठीक है तो ये कितना हो जाएगा पॉइंट एट जीरो किलो हट्स इसको चेक कर लेना कितना आ रहा है एक बार निकाल लेना आस पास इतना ही आएगा आस पास कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आएगा एक बार चेक कर लेना इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है एक बार सभी लोग चेक कर लेंगे कि ये इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है ठीक है ये हो जाएगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी उसके बाद हमको क्या निकालना है उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है उसके बाद हमसे दूसरे नंबर पर पूछा गया है सर बैंड ब्रथ बैंड ब्रथ कितनी आ रही है बैंड ब्रथ आती है सर सीरीज आर एल सी है बैंडब्रथ कितनी आती है इसकी बैंड ब्रथ आती है सर आर बाई एल ये आता है आर बाई एल तो आर बाई एल निकालेंगे तो आर कितना है आर दे रखा है सर दो और एल दे रखा है टू मिली हेनरी टू मिली हेनरी तो ये हो जाएगा सर टेन टू दी पावर थ्री टेन टू दी पावर थ्री ये ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है ये आर बाई एल जो आएगा ठीक तो बैंड कितनी आ गई सर टेन बाई थ्री ठीक है तो ये हो जाएगा टेन बाई थ्री यह आ जाएगा सर रेडियन पर सेकेंड में ये बैंड आ जाएगा टेन टू दी पावर थ्री रेडियन पर सेकेंड तो यहां से हमको मिल गया बैंड बर्थ टेन टू दी पावर थ्री ये मिला रेडियन पर सेकेंड ये आ गया बैंड ठीक है सिंपल बैंड उसके बाद हमको नंबर तीन पर पूछा है उन्होंने नंबर तीन की बात करें तो क्वालिटी फैक्टर पूछा है क्वालिटी फैक्टर क्या होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंड बर्थ रेजोनेट फ्रिक्वेंसी अपॉन बैंड बर्थ रेजोनेट फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी थी सर फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड बैंड बर्थ दे रखी है टेन टू दी पावर थ्री यानी कि क्वालिटी फैक्टर आ गया सर फाइव क्वालिटी फैक्टर आ गया फ़ाइव के से टेन टू पावर थ्री कट जाएगा क्वालिटी फैक्टर आ गया फ़ाइव तो क्वालिटी फैक्टर आ गया फाइव यानी कि ग्रेटर देन वन है यानी कि ग्रेटर देन वन है ग्रेटर देन वन है क्वालिटी फैक्टर क्या है ग्रेटर देन वन इसका मतलब ये वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा जो ये गिवन सर्किट है ये वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा ठीक है वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा लेकिन इसको रेजोनेंट पे आना पड़ेगा रेजोनेंट पर कब आएगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी 5 किलो रेडियन पर सेकंड हो जाएगी तब ये रेजोनेंट पे आएगा फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड ठीक है इतना ध्यान रखेंगे तीसरा अब आगे क्या निकालना है फटाफट बताओ मुझे आगे क्या निकालना है क्वालिटी फैक्टर के बाद क्या निकालना है ओमेगा एल और ओमेगा एच ओमेगा एल और ओमेगा एच निकालना है ठीक है ओमेगा एल एंड ओमेगा एच क्या होता है ओमेगा एल एंड ओमेगा एच क्या रहता है ओमेगा एल एंड ओमेगा एच क्या होता है ये हमको मालूम है क्या ओमेगा एल और ओमेगा एच क्या होता है बताओ फटाफट क्वेश्चन नंबर चार पर हमको निकालना है ओमेगा एल एंड ओमेगा एच इनको क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं थ्री डीबी बी फ्रिक्वेंसीज ना लोअर थ्री डीबी फ्रिक्वेंसी एंड अपर थ्री डीबी बी फ्रिक्वेंसीज बताओ जरा तो ओमेगा एल एंड ओमेगा एच निकालना है तो ओमेगा एल की वैल्यू क्या होती है ओमेगा एल की वैल्यू ओमेगा एल की वैल्यू होती है माइनस आर अपॉन टू एल प्लस रूट ऑफ आर अपॉन टू एल का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी प्लस वन बाई एल सी ठीक है ये रहता है प्लस वन बाई एल सी और अगर ओमेगा एच की बात करूँ तो ओमेगा एच में क्या हो जाता है बस प्लस हो जाता है प्लस आर अपॉन टू एल प्लस अंडर उड ऑफ सेम रहता है आर अपॉन टू एल का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एल सी ये सारी वैल्यूज़ आपके पास है इसमें लगा दो सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं लगा देते हैं पहले इसमें बात करते हैं ओमेगा एल की बात करते हैं तो माइनस आर अपॉन टू एल आर कितना है हमारे पास आर है हमारे पास दो ओम डिवाइड बाई टू इंटू ये कितना है सर टू मिली ये टू मिली है प्लस अंडर ऑफ सर ये कितना आएगा आर की वैल्यू कितनी है दो है डिवाइड बाई टू इंटू टू मिली इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस बन अपॉन एल सी अपॉन एल सी तो बन अपॉन एल सी कितना है एल कितना है हमारे पास सर टू मिली है इंटू यह है ट्वेंटी माइक्रो ये है ट्वेंटी माइक्रो बस अब सारी वैल्यूज निकाल देंगे टू से टू कट जाएगा यह आ जाएगा सर माइनस का टेन टू दी पावर थ्री अपॉन टू प्लस अंडर उड ऑफ इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी टेन टू दी पावर थ्री अपॉन टू यानी कि टेन टू दी पावर सिक्स अपॉन फोर टेन टू दी पावर सिक्स अपॉन फोर और ये कितना हो जाएगा यह हो जाएगा एट ऊपर पहुंच जाएगा प्लस टेन टू दावर एट अपॉन फोर ये हो जाएगा टेन टू द पावर एट अपॉन फोर ठीक है ये बस इसको कैलकुलेट करना है हमको ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा ठीक है ये कैलकुलेट कर लेंगे तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं यहां पर तो ये हो जाएगा सर माइनस का टेन टू दावर थ्री अपॉन टू प्लस अंडर उड ऑफ यहां से टेन टू दावर सिक्स अपॉन फोर कॉमन ले लें टेन टू दावर सिक्स अप ऑन फोर कॉमन ले तो यहाँ से वन बचेगा और यहाँ बचेगा हंड्रेड इधर बचेगा हंड्रेड ठीक है टेन टू दावर सिक्स अप ऑन फोर कॉमन ले लिया तो टेन टू दावर सिक्स अप ऑन फोर कॉमन ले लिया तो वन प्लस हंड्रेड वन जीरो वन होगा तो इसको अप्रोक्सीमेट हंड्रेड कर दे रहा हूँ मैं इसको ना इस पूरे को अप्रोक्सीमेट हंड्रेड ले ले रहा हूँ मैं अप्रोक्सीमेट हंड्रेड ले लेता ले हूँ मैं ठीक है इसको क्या ले, ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेट हंड्रेड तो ये कितना हो जाएगा अगर मैं अप्रॉक्सीमेट हंड्रेड ले लेता हूं तो ये हो जाएगा सर माइनस टेन टू दावर थ्री अपॉइंट टू प्लस प्लस यहां से कितना आएगा ये अंडर रूड हो जाएगा इसका तो ये हो जाएगा सर टेन टू दी पावर थ्री अपॉइंट टू हंड्रेड का आ जाएगा टेन 10, हंड्रेड का आ जाएगा टेन ठीक है तो यहां से ओमेगा एल कितना मिल गया मेरे को ओमेगा एल मिल गया टेन टू दी पावर थ्री बाई टू फिर कॉमन आ जाएगा तो ये टेन ये हो जाएगा नाइन इंटू टेन टू दी पावर थ्री अपॉइंट टू यानी कि ये हो जाएगा सर 4.5 किलो रेडियन पर सेकेंड ये हो गया सर 4.5 किलो रेडियन पर सेकेंड तो ओमेगा एल कितना आ गया सर 4.5 किलो रेडियन पर सेकेंड ये आ गया 4.5 किलो रेडियन पर सेकेंड ये ओमेगा एल ठीक है ओमेगा एल आ गया अब हमको ओमेगा एच निकालना है तो ओमेगा एच में क्या करना पड़ेगा ओमेगा एच निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ओमेगा एच निकालना है हमको क्या निकालना है ओमेगा एच तो ओमेगा एच निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ ओमेगा एच बराबर कितना होता है सर आर अपॉन टू एल प्लस अंडरवुड ऑफ कितना होता है आर अपॉन टू एल का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एल सी ये 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 वैल्यू हमने अभी निकाली है ये वैल्यू कितनी आ रही थी ये वैल्यू आ रही थी सर टेन टू दावर थ्री अपॉन टू इंटू नाइन नाइन आ रही थी ना टेन टू दी नहीं 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 आ रही थी ये आ रही थी टेन सॉरी टेन आ रही थी ये ये आ रही थी टेन ये वैल्यू आ रही थी टेन टू दावर थ्री अपॉइंट टू इंटू टेन और ये वैल्यू कितनी आ रही थी ये वैल्यू आ रही थी सर टेन टू दी पावर थ्री अपॉन टू ये वैल्यू तो ओमेगा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर इलेवन बाई टू इंटू टेन टू दी पावर थ्री यानी कि ये आ जाएगी सर फाइव पॉइंट फाइव किलो रेडियन पर सेकेंड 5.5 किलो रेडियन पर सेकेंड तो सर ये आ जाएगी ओमेगा एच दिस इज़ ओमेगा एच 5.5 किलो रेडियन पर सेकेंड तो एक आ रही थी हमारे पास 4.5 और एक आ रही थी हमारे पास कितनी 5.5 ठीक है एक आ रही थी कितनी आ रही थी सर हमारे पास एक आ रही थी 5.5 और एक आ रही थी 4.5 तो लोअर थ्री और अपर थ्री दोनों आ गई हमारे पास ठीक है दोनों आ गई ये अब इसके बाद हमको क्या निकालना है नंबर पाँच पर उन्होंने हमसे क्या पूछा है नंबर पाँच की अगर हम बात करेंगे तो नंबर पाँच में उन्होंने पूछा है क्या क्या पूछा है करेंट एट रेजोनेंस तो सर्किट में जो करेंट जा रही है आई एट रेजोनेंस पे पूछा है एट रेजोनेंस तो रेजोनेंस में करंट कितनी होती है रेजोनेंस में करंट होती है बी एस अपॉन आर बी एस अपॉन आर जो भी सप्लाई वोल्टेज हो जाता है ठीक है वो रेजिस्टेंस के वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो ये हो जाएगा बी एस ये हो जाएगा तो बी एम को दे रखा है कितना टू 200 एंगल जीरो डिग्री डिवाइड बाई ये कितना दे रखा है टू तो आई कितना हो गया आई हो गया सर 100 100 एंगल जीरो डिग्री तो 100 एंगल जीरो डिग्री एम्पियर यह हो गया आई एट रेजोनेंस और इसी को बोलते हैं आई मैक्स इसी को क्या बोलते हैं सर आई मैक्स आई मैक्स बोलते हैं सर इसको क्या बोलते हैं आई मैक्स क्या बोलते हैं इसको आई मैक्स ठीक है तो ये हमारा आई मैक्स आ गया इसके अलावा हमको क्या पूछा गया है उन्होंने आई मैक्स निकाल दिया और इसके साथ साथ क्या पूछा है तो ये हो गया पाँच नंबर का पॉइंट आई आ गया उसके बाद हमसे क्या पूछा है उन्होंने पाँच के बाद अगर हम यहाँ आएंगे तो उन्होंने पूछा है बी और बी बता दीजिए बी एंड बी ये बता दीजिए ठीक है तो हमसे पूछा है छः नंबर पर अगर हम आते हैं सिक्स नंबर पर क्या पूछा है छः नंबर पर हमसे पूछा है सिक्स नंबर पर द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वोल्टेज बी एल एंड बी सी ठीक है बी एल एंड बी सी तो क्या हो जाएगा बी एल की वैल्यू क्या होती है हमें मालूम है बी एल की वैल्यू कितनी होती है बी एल बराबर होता है क्यू टाइम्स ऑफ बी एस क्यू टाइम्स ऑफ बी एस ये होता है ठीक है क्यू टाइम्स ऑफ बी एस और क्यू की वैल्यू कितनी है पाँच और ये कितना था सर टू हंड्रेड बी एस की वैल्यू कितनी थी टू हंड्रेड एंगल जीरो डिग्री टू हंड्रेड एंगल जीरो डिग्री तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा सर वन जीरो जीरो ठीक है वन जीरो जीरो एंगल जीरो डिग्री एंगल जीरो डिग्री ये आ जाएगा ठीक है बी एल एंगल ज़ीरो डिग्री ये बन जाएगा हमारे पास ठीक ये और अगर मेरे को ये निकालना हो यहाँ से ये अगर इसको मोड हटाना हो तो मोड बराबर कितना आ जाएगा सर मॉड बराबर आ जाएगा जे टाइम्स ऑफ जे टाइम्स ऑफ क्यू डॉट बी एस J टाइम्स ऑफ क्यू डॉट बी और क्यू डॉट बी कितना आ रहा है सर क्यू डॉट बी हम पहले ही निकाल चुके हैं दिस इज द थाउजेंट ये ठीक है थाउजेंड एंगल जीरो डिग्री में हटा दे रहा हूं उसका को कोई मतलब नहीं है थाउजेंड तो ये हो जाएगा तो J टाइम्स ऑफ थाउजेंड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं थाउजेंट और J का मतलब होता है प्लस का नाइन्टी डिग्री J का मतलब क्या होता है प्लस का नाइन्टी डिग्री ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है दूसरा हमसे क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है सर निकाल कर बताओ बी सी तो बी सी बराबर भी कितना आता है क्यू डॉट बी एस क्यू डॉट बी एस तो क्यू डॉट बी एस करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव डॉट टू हंड्रेड एंगल जीरो डिग्री अपन हटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा थाउजेंड ये भी थाउजेंट हो जाएगा ठीक है ये ये भी थाउजेंड हो जाएगा तो यहाँ से अगर हम बात करें किसकी बात करें सर बी एल की तो बी एल बराबर सॉरी यहाँ से बी सी की अगर बात करेंगे तो BC बराबर कितना हो जाएगा माइनस जे टाइम्स ऑफ Q डॉट बी एस माइनस जे टाइम्स ऑफ Q डॉट बी एस और Q डॉट बी एस सर कितना होता है Q डॉट बी एस होता है सर थाउजेंड कितना होता है थाउजेंड ये ये थाउजेंड तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस जे का मतलब होता है माइनस नाइन्टी डिग्री तो ये हो जाएगा सर माइनस का नाइन्टी डिग्री ये तो थाउजेंड एंड माइनस नाइन्टी डिग्री तो ये वोल्टेज एक्रॉस द इंडक्टर भी निकाल लिया वोल्टेज एक्रॉस द कैपेसिटर भी निकाल लिया तो वोल्टेज एक्रॉस द इंडक्टर भी हमारे पास आ गया और वोल्टेज एक्रॉस द कैपेसिटर भी हमारे पास आ गया अब हमारे पास लास्ट पॉइंट पूछा, पूछा गया है क्या पूछा गया है लास्ट पॉइंट सेवन नंबर का पॉइंट पूछा गया क्या पूछा गया है सेवन नंबर का पॉइंट पूछा गया है क्या पूछा गया है द वैल्यू ऑफ आई एट एट ओमेगा एल एंड ओमेगा एच ये पूछा गया है हमसे द वैल्यू ऑफ आई एट ओमेगा एच एंड ओमेगा एल तो ये हमारे पास सीरीज रेजोनेंस है क्या है सीरीज रेजोनेंस सर्किट है तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इसका एक रेजोनेंस का कर्व बनाता हूँ विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा एंड आई ये बनेगा रेजोनेंस का कर्व तो इसका रेजोनेंस का कर्व कैसे बनेगा इसका रेजोनेंस का कर्व हम ऐसे बना लेते हैं ये ये अपनी तरफ से हम ऐसे बना लेते हैं ये, ये रेजोनेंस का कर्व बना लेते हैं इसका ठीक है ये हमारी रेजोनेंस पीक आएगी यहाँ पर इसके करेस्पॉन्डेंस अगर हम फ्रिक्वेंसी देखेंगे तो सर ये होती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ओमेगा नोट ये होती है सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट एट रेजोनेंस ये आएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करेंट इसको सर हम बोलते हैं आई मैक्स इसको बोलते हैं आई मैक्स इस आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है सर इस आई मैक्स की वैल्यू होती है बी आर अपॉन आर इस आई मैक्स की वैल्यू क्या होती है बी आर अपॉन आर ठीक है अब इसमें हमको ओमेगा एच और ओमेगा एल बनाना है कहाँ बनेंगे ओमेगा एच और ओमेगा एल कहाँ बनेंगे तो सर यहाँ कहीं बनेंगे ओमेगा एच और ओमेगा एल कहीं यहाँ बनेंगे ये थ्री डी बी फ्रिक्वेंसीज़ हैं तो सर ये बनेंगे ये ये इसको नीचे गिरा दें क्या यस ये हो जाएगी सर कितनी दिस इज़ ओमेगा एच इसको यहाँ से नीचे ड्रॉ करेंगे तो ये बन जाएगा सर हमारा ओमेगा एल क्या बन जाएगा सर ओमेगा एल और दिस इज़ कॉल्ड थ्री डी बी पॉइंट तो ओमेगा एच और ओमेगा एल आप पहले भी निकाल चुके हो तो ये कितना आ रहा था ओमेगा एच कितना आ रहा था आपका 5.5 किलो रेडियन पर सेकेंड ओमेगा एल की बात करेंगे तो ये ओमेगा एल आ रहा था 4.5 किलो रेडियन पर सेकेंड ये आ रहा था और अगर ओमेगा नॉट की बात करेंगे तो ओमेगा नॉट कितना आ रहा था फाइव के फाइव के रेडियन पर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी बैंड ये हो जाएगी बैंड ब्रथ तो बैंड बेट तो होता है ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल तो यहां से आपको मिलेगा आंसर वन के आंसर क्या मिलेगा वन के रेडियन पर सेकेंड और ये हमारे थ्री डी बी पॉइंट होते हैं ये हमारे क्या होते हैं थ्री डी बी पॉइंट्स हमसे पूछा गया है करेंट बता दो हमसे पूछा गया है करेंट बता दो कहाँ बता दो करेंट हमसे पूछा गया है इन पॉइंट्स पर करेंट बता दो कितनी होगी इन पॉइंट्स पर करेंट बता दो कितनी होगी तो ये थ्री डी पॉइंट है तो इन पर करंट कितनी होती है जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका रूट टू हो जाता है डिवाइड बाय रूट टू डिवाइड बाय रूट टू तो ये करंट हमको मिलेगी इस करंट को नाम दे देता हूँ मैं आई थ्री डी बी थ्री डी बी करेंट में नाम दे देता हूँ क्या नाम दे देता हूँ थ्री डी तो ये थ्री डी कितनी हो जाएगी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ ये करेंट कितनी हो जाएगी सर तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ आई थ्री डी बी तो करेंट हो जाएगी आई एट उमेगा एल या फिर आई एट उमेगा एच या फिर इसको बोल सकता हूँ आई एट थ्री डी बी ये तीनों बात एक ही हैं और तीनों ही करंट बराबर होंगी कोई कम कोई ज़्यादा नहीं होगी इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू कितना होता है सर जो भी मैक्सिमम वैल्यू होता है उसका रूट टू कर देते हैं डिवाइड बाई रूट टू वैल्यू ऑफ करंट कितनी है सर वो है हमारे पास बी आर अपॉन आर डिवाइड बाई रूट टू बी आर अपॉन आर डिवाइड बाई रूट टू ठीक है बी आर अपॉन आर डिवाइड बाई रूट टू तो बी आर अपॉन आर कितना हो जाएगा सर बी आर की वैल्यू है सर हमारे पास टू हंड्रेड एंगल जीरो डिग्री डिवाइड बाई आर आर कितना है सर हमारे पास टू इंटू रूट टू तो सर ये आ जाएगा हमारे पास कितना हंड्रेड अपॉन रूट टू हंड्रेड एंगल जीरो डिग्री अपॉन रूट टू तो बन अपॉन रूट टू कितना होता है जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा सर सेवनटीन पॉइंट सेवन एंगल जीरो डिग्री एम ये आ जाएगा सर करेंट करेंट एट ओमेगा एच एंड ओमेगा एल तो थ्री डी बी पॉइंट्स पर करेंट यहाँ निकल कर आ गया है क्या निकल कर आ गया है थ्री डी बी पॉइंट्स ठीक है तो थ्री डी बी पॉइंट पर उनसे करेंट पूछा तो करंट भी निकल कर आ गया तो एकदम चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि सर हम आराम से हर एक पॉइंट निकाल देंगे तो जितने के जितने सात पॉइंट थे वो मैंने इस क्वेश्चन में कवर कर लिए तो सिंपल ये सात पॉइंट ही पूछे जाते हैं इससे ज्यादा ऊपर नीचे कुछ नहीं पूछा जाता सिंपल के सिंपल सात पॉइंट पूछे जाते हैं हमसे तो सातों के सातों मैंने कवर करे ये बात समझ में आई या नहीं ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ ये बात अगर समझ में आई हो तो बताओ फटाफट ठीक है अब मैं ले रहा हूं बर्ग बुक का क्वेश्चन बर्ग बुक निकाल लो फटाफट बर्ग बुक निकाल लो एकदम फटाफट तेजी से अब मैं ले रहा हूं एक बर्ग बुक का क्वेश्चन ले रहा हूं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बर्ग बुक का ठीक है क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूं बर्ग बुक का क्या पूछा गया है हमसे क्या पूछा गया है एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं यहां से ठीक है एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन है 133 क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन नंबर 133 थर्टी थ्री बर्ग बुक का क्वेश्चन है ठीक है बर्ग बुक का क्वेश्चन है क्वेश्चन में हमसे एक इंडक्टर दे रखा है यहां पर एक इंडक्टर दे रखा है उसके बाद क्या दे रखा है एक कैपेसिटर दे रखा है दिस विल बी ए वन कैपेसिटर ठीक है ये कैपेसिटर दे रखा है और देयर विल बी ए वन रजिस्टर ये दे रखा है देयर विल बी ए बन रजिस्टर ये दे रखा है ठीक है ये ये हमको कितना कितना दे रखा है ये ध्यान रखना ये दे रखा है हमको वन ओम ये दे रखा है वन फेरड दिस इज वन फेरड और ये दे रखा है सर जीरो पॉइंट वन हैनरी जीरो पॉइंट वन हैनरी ये हमको दे रखा है बर्ग बुक का क्वेश्चन ठीक है ध्यान से देख लो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन हमको दे रखा है और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ वट इज द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हमसे क्या पूछा है ही इज आस्किंग अबाउट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ही इज आस्किंग अबाउट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ही इज आस्किंग अबाउट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बारे में आपसे पूछ रहा है ही इज आस्किंग अबाउट द रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो हमारे पास ये सर्किट दे रखा है एक रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछा है तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी बराबर क्या होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है जो हमने पढ़ा है वो होता है सर बन अपॉन अंडर उड एल सी बन अपॉन अंडर वुड एल सी तो यहाँ पर ओमेगा नॉट बराबर लगा देंगे सर फटाफट बन अपॉन अंडर उड एल सी एल की वैल्यू सर कितनी है जीरो पॉइंट वन और सर ये वैल्यू है वन ये वैल्यू है वन तो सर ये मिलकर आ जाएगा रूट टेन दिस वैल्यू इज रूट टेन तो आंसर आ जाएगा सर रूट टेन रेडियन पर सेकेंड ये आ जाएगा सर रूट टेन रेडियन पर सेकेंड तो इसका सिंपल सा आंसर क्या आ रूट टेन रेडियन रूट टेन पर रेडियन पर सेकेंड सिंपल सा एक क्वेश्चन था ये 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 हमको दिया दिया है और omega equal to ये दिया। है और हमने लगा ठीक तो हमारा आंसर आ गया root 10, radian per second, root 10 को कैलकुलेट कर लेंगे लेकिन जिसने भी ये सवाल करा ऐसे उसका सवाल गलत हो जाएगा जिसने भी अगर ऐसे अपनी होशियारी यहां पर दिखाई वो यहां से निबट जाएगा एग्जामिनर उसको खत्म कर देगा ठीक है अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ना गलत आएगा एकदम गलत आएगा कोई रोक नहीं पाएगा गलत आने से क्यों क्यों गलत आएगा सर मैंने यहाँ पर क्या ऐसी गलती कर दी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का तो फार्मूला आपने यही पढ़ाया था और मैंने ये लगा दिया तो इसमें गलती कहाँ हो गई मुझसे मुझसे गलती इसमें कहाँ हो गई ये गलत क्यों बोल रहे हो आप ठीक है इसमें गलती कहाँ हो गई मुझसे सर आपने जो पढ़ाया था मैंने उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करा लेकिन स्टिल आई एम गेटिंग द रोंग आंसर ठीक है तो मेरी मिस्टेक कहां पर है ठीक है तो क्वेश्चन ये आएगा वेयर इज़ माई मिस्टेक कहां पर मेरी मिस्टेक है तो भाई ये चीज़ आप समझनी पड़ेगी ये जो उमेगा नॉट इक्वल टू वन अंडर अंडरवुड एल सी जो मैंने आपको लिखाया था ये फॉर्मूला बताया था इट इज़ वैलिड फॉर सीरीज आर एल सी मैंने ये नहीं बोला था कि ये हर जगह वैलिड है मैंने ये सीरीज आर एल सी सर्किट के लिए बोला था मैंने ऐसा नहीं बोला कि यह हर जगह वैलिड है इट इज़ ओनली वैलिड फॉर सीरीज आर एल सी लेकिन क्या यह आपका सर्किट सीरीज आर एल सी है यह सर्किट सीरीज आर एल सी है क्या नहीं ये सर्किट सीरीज आर एल सी नहीं है इसीलिए लिए आंसर गलत है अगर ये सीरीज आर एल सी होता तो हम इसका आंसर सही निकालते द सर्किट इज़ नॉट अ सीरीज आर एल सी ठीक है तो ये सीरीज आर एल सी नहीं है ठीक है तो ये ना गलत ऐसे निकालोगे एकदम गलत कर दोगे ठीक है एकदम गलत कर दोगे तो सर फिर इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका कैसे निकालूंगा मैं तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा तो मैं बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करोगे आप जब भी आपके पास एक ऑर्डिनरी सर्किट आ जाए जो सीरीज आर ना हो सीरीज ना हो पैरल ना हो ठीक है कोई भी आपके पास एक सर्किट आ जाए लाइक like दिस ये ये सर्किट आया हमारे पास ठीक है ये सर्किट हमारे पास आया कौन सा जो सी ना तो सीरीज आर है ना तो पैरल आर है ये सिंपल सा कोई सर्किट उन्होंने हमको बना कर दे दिया उन्होंने हमको एक सर्किट बनाया बोला एक इंडक्टर लग रही है एक कैपेसिटर लग रहा है यहाँ पर दिस इज़ वन कैपेसिटर ठीक है दिस इज़ वन कैपेसिटर ये और इसके साथ उन्होंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर एक रजिस्टेंस भी लगा हुआ है एक रजिस्टेंस भी लगा हुआ है ठीक है तो ये ना तो सीरीज आर एल सी है ना तो पैरल है तो ये हो जाएगा सर बन ओम सर ये बन फेरड है और सर ये है जीरो पॉइंट वन हैंडरी. अब हमको इसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालना है तो जब भी आपको रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालना हो आप सबसे पहले सर्किट का इम्पीडेंस निकालोगे सर्किट का इम्पीडेंस निकालोगे कौन सा इम्पीडेंस टोटल टोटल इम्पिडेंस आप निकालोगे कैलकुलेट द टोटल इम्पिडेंस तो टोटल इंपीडेंस बनाने के लिए आपके पास रिएक्टेंस होनी चाहिए इसकी रिएक्टेंस बनेगी एक्सएल। सर एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल एक्सएल बराबर क्या होता है ओमेगा एल ठीक है okay. तो एक्सएल बराबर हो जाएगा ओमेगा एल यानी कि एक्सएल बराबर ओमेगा एल तो ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम नहीं है तो ये हो जाएगा सर जीरो पॉइंट वन ओमेगा ये हो जाएगा सर जीरो पॉइंट वन ओमेगा ठीक है अब कैपेसिटर की रिएक्टेंस निकालोगे एक्स सी एक्स सी बराबर होता है 1 बाई ओमेगा सी ओमेगा की वैल्यू आपको नहीं मालूम है सी की वैल्यू मालूम है वन तो ये हो जाएगा ओमेगा वन बाई ओमेगा ठीक है वन बाई ओमेगा वन बाई ओमेगा हो जाएगा उसके साथ साथ आप इसमें जे टर्म लगा दोगे यहां पर जे लगा दोगे तो यहाँ भी जे आ जाएगा और यहाँ भी जे आ जाएगा ठीक है ये और इसमें लगाओगे माइनस का जे तो इसमें आप पुट करोगे माइनस का एक्स सी बना दोगे इसको तो माइनस का एक्स सी बन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का जे अपॉन जे इन टू वन बाई उमेगा ठीक है ये तो जैसे ही आप जेड निकालोगे यहाँ से तो आपको पता चलेगा ये दोनों पैरल में है ये दोनों किस में है पैरल में ये दोनों पैरल में हैं और उसके साथ ये सीरीज में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर ये हो जाएगा जे टाइम्स ऑफ एक्स एल जे टाइम्स ऑफ एक्स एल प्लस प्लस माइनस जे टाइम्स ऑफ एक्स सी पैरल टू वन पैरल टू वन ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ या नहीं बिल्कुल लिख सकता हूँ सर जे टाइम्स ऑफ एक्स एल इसका रिएक्टेंस प्लस इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन ठीक है इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन या फिर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं इन दोनों का पैरल कॉम्बिनेशन इसके साथ सीरीज़ में है तो पहले मैंने पैरल कॉम्बिनेशन बना लिया और उसके साथ सीरीज़ में दे दिया ठीक है सीरीज़ में दे दिया तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां से तो मेरे पास क्या क्या बचेगा अगर मैं इसको ही सॉल्व करता हूं तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें बचेंगी ये अगर मैं देखूं तो z बराबर सर कितना आ जाएगा j टाइम्स ऑफ xl की वैल्यू सर कितनी आ रही थी ये आ रही थी सर 0.1 ओमेगा प्लस इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सर ये आ रही थी हमारे पास माइनस का जे अपॉन उमेगा पैरल टू वन इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा माइनस का जे उमेगा इन टू वन डिवाइड बाई नीचे आ जाएगा माइनस का जे उमेगा प्लस वन ठीक है तो इसका सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा माइनस जे अपॉन ओमेगा माइनस जे ये मिलेगा मेरे को सॉल्व करने पर इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ये मिलेगा मेरे को सॉल्व करने पर ठीक है तो जेड बराबर कितना आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा जे टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट वन ओमेगा जीरो पॉइंट वन ओमेगा और इसको ऐड कर देते हैं इसमें तो सर ये आ जाएगा माइनस जे अपॉन ओमेगा माइनस जे माइनस जे अपॉन ओमेगा माइनस जे तो ये निकल कर आ गया हमारा टोटल जेड ये आ गया टोटल जेड ठीक है टोटल जेड ये आ गया ये आ गया टोटल जेड अब इसको ना इमेजनरी और रियल पार्ट में कन्वर्ट करना है ठीक है सेपरेट करना है इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट में सेपरेट करना है इसको इस पूरे को इमेजनरी और रियल पार्ट में सेपरेट करना है तो यहाँ लिखेंगे सेपरेट क्या लिखेंगे सेपरेट जेड तो यहां लिखेंगे सर सेपरेट जेड इनटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट इन टू रियल एंड इमेजनरी पार्ट रियल एंड इमेजनरी पार्ट में इसको सेपरेट करना है किस में सेपरेट करना है सर रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना है तो कैसे करेंगे रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट कैसे करेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का थोड़ा सा आपको खेल खेलना पड़ेगा क्या हो जाएगा सर जेड इक्वल टू ये हो जाएगा सर जे टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट वन उमेगा ये आ गया प्लस यहाँ आ जाएगा सर माइनस जे डिवाइड बाई सर ये हो गया ओमेगा माइनस जे यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा प्लस जे को ऊपर डिवाइड बाई ओमेगा प्लस जे को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है ओमेगा तो जेड बराबर सर कितना आ जाएगा जेड बराबर आ जाएगा जे टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट वन ओमेगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा अंदर ही अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सर माइनस जे ओमेगा और ये हो जाएगा माइनस जे स्क्वायर माइनस का जे स्क्वायर ठीक है ये डिवाइड बाई नीचे कितना आ जाएगा सर नीचे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन नीचे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ठीक है ये इसको करोगे ए माइनस बी और ए प्लस बी तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब जब बी स्क्वायर करोगे तो जे स्क्वायर आएगा तो जे स्क्वायर माइनस वन होता है तो प्लस वन हो जाएगा ठीक है ये हो जाएगा प्लस वन तो ये हो जाएगा हमारा कितना सर जे स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस वन जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू जे ऑफ जीरो पॉइंट वन ओमेगा इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस जे उमेगा अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ये आ जाएगा और ये हो जाएगा सर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ये हो जाएगा ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं ना यस सर yes, ऐसे आराम से लिख सकते हैं ऐसे एक बार इसको मैं इसके नीचे ले गया एक बार उठाकर इधर ले गया ठीक है तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया अब इसके रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं रियल पार्ट भी सेपरेट हो चुका है इमेजनरी पार्ट भी सेपरेट हो चुका है अब हमको क्या करना है जब भी हमको कोई सर्किट चेक करना है रेजोनेंस में है या नहीं है ठीक है या रेजोनेंस की कंडीशन निकालनी है तो रेजोनेंस की कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन ऑफ़ रेजोनेंस क्या कहता है कोई भी ऑर्डिनरी सर्किट हो तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या कहती है कंडीशन ऑफ़ रेजोनेंस क्या बोलती है कंडीशन ऑफ़ रेजोनेंस ये बोलती है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्डिनरी सर्किट है तो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस ये बोलती है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ टोटल इंपीडेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो मस्ट बी इक्वल टू जीरो तो इमेजनरी पार्ट ऑफ टोटल इंपीडेंस मस्ट बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये हो गया कि रेजोनेंस की कंडीशन अगर आएगी तो जेड जो होगा वो रियल होगा जेड क्या होगा रियल तो हमको क्या करना है इमेजनरी पार्ट को जीरो के बराबर पुट कर देना है तो इमेजनरी पार्ट कितना है इसका जीरो पॉइंट वन माइनस ओमेगा अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जीरो है इमेजनरी पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा सर इतना पार्ट इमेजनरी पार्ट है ये इमेजनरी पार्ट है इसको मैंने जीरो के बराबर डाल दिया और जैसे ही मैं इसको जीरो के बराबर रखूंगा तो सर ये आ जाएगा जीरो पॉइंट वन ओमेगा बराबर ओमेगा अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा तो सर ये आ जाएगा वन प्लस ओमेगा इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट वन तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा नहीं 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 गलत हो गया गलत हो गया ये हो गया वन प्लस ओमेगा इक्वल टू सर कितना आ गया वन प्लस ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन पॉइंट वन वन अपॉन पॉइंट वन मतलब टेन मतलब टेन तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया सर नाइन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आ गया नाइन तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा ओमेगा बराबर आ जाएगा सर थ्री रेडियन पर सेकेंड प्लस माइनस थ्री रेडियन पर सेकेंड आएगा लेकिन हम लोग कंसिडर क्या करेंगे प्लस थ्री रेडियन ठीक है क्योंकि फ्रिक्वेंसी नेगेटिव में जाएगी नहीं देन इट विल बी अ थ्री रेडियन पर सेकेंड तो यहाँ से जो इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई जो इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आ गई सर्किट की ये सर्किट कौन सी फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा ये फ्रिक्वेंसी कौन सी फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट करेगा ये सर्किट ये सर्किट रेजोनेट करेगा एट ओमेगा इक्वल टू थ्री रेडियन पर सेकेंड कहाँ रेजोनेट करेगा ये सर

उसको रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट कर लो और जैसे ही इमेजनरी और रियल पार्ट सेपरेट हो गए फटाफट इमेजनरी पार्ट को जीरो कर दो तो जो वैल्यू है ओमेगा की वो आपको निकल कर आ जाएगी ठीक है वैल्यू ओमेगा की निकल कर आ जाएगी अब अगर एग्जामिनर ये पूछता अगर एग्जामिनर ये पूछता यहीं पर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दे रहा हूं ध्यान रखना इसी क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई कर दे रहा हूं इसी में मेरे दिमाग में एक नया क्वेश्चन आ रहा है मैं दूसरा एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं इसी पर ध्यान से सुनना एग्जामिनर चेंज कर सकता है यहां पर वैल्यू एग्जामिनर आपसे यह पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे यह पूछ सकता है मैं दोबारा इस क्वेश्चन को ना मैं नए पेज पर ले रहा हूं एग्जामिनर देखो ध्यान से सुनना एक मिनट अब सभी लोग ना कोई लिखेगा नहीं कोई भी लिखेगा नहीं सब इधर देखेंगे एग्जामिनर इसको कैसे चेंज कर सकता है सेम क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को कैसे चेंज कर सकता है ये देखना मैं क्या बोल रहा हूं यही क्वेश्चन ले रहा हूं इसी को मैं न्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दे रहा हूं ठीक है न्यू क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं आपसे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है Z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी Z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यह पूछा गया है Z इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी और सर्किट आपका वही दे रखा है सर्किट आपका वही दे रखा है यह इंडक्टर है इधर कैपेसिटर है इधर कैपेसिटर है और इधर ना रजिस्टर है इधर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है ये ठीक है ये और ये हमको दिया गया है सर वन ओम oh, ये हमको दे रखा है सर वन फैरड और सर ये दे रखा है जीरो पॉइंट वन हैनरी ठीक है ये ये सर्किट सेम है बस पूछा क्या है ध्यान से देखना हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा गया है जेड एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर पूछा गया है तो सबसे पहले आप नर इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालोगे सबसे पहले आप इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालोगे तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी हम निकाल चुके हैं इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कितनी आ रही थी थ्री रेडियन पर सेकेंड थ्री रेडियन पर सेकेंड ये आ रही थी थ्री रेडियन पर सेकेंड ये आ रही थी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यस हमसे पूछा गया है जेड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी तो जेड इसका जो आ रहा था जेड इसको कितना आ रहा था जेड इसका टोटल जेड कितना आ रहा था मैं देख के लिख देता हूं कितना आ रहा था ये आ रहा था जे टाइम्स ऑफ इसका आपने जेड निकाला था जे टाइम्स ऑफ जीरो पॉइंट वन ओमेगा फिर यहां था माइनस जे ऑफ ओमेगा अपॉन वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही था ना ये था और प्लस यहां पर भी कुछ आ रहा था यहां पर भी कुछ आ रहा था मेरे को ध्यान नहीं है एक बार देखना पड़ेगा कितना आ रहा था वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ये आ रहा था वन अपॉन वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन ये आ रहा था तो टोटल जेड इस सर्किट का जेड आ रहा था ठीक है ये सर्किट का पूरा जेड आ रहा था जिसमें आपने इस वाले पार्ट को जिसमें आपने इस वाले पार्ट को जीरो से कंपेयर करा था तो आपको यहाँ से रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी मिली थी यहाँ से आपको क्या मिला था रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी लेकिन एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा है जेड एट रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जेड क्या हो जाता है रियल हो जाता है क्या हो जाता है रियल तो अगर यहां से एग्जामिनर पूछता कि आप बताओ जेड तो जेड बराबर आप क्या लिखते आप लिखते जेड एट ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट जेड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितना आता सिर्फ आपको रियल पार्ट कंसिडर करना था सिर्फ आपको ये रियल पार्ट कंसिडर करना था इमेजनरी पार्ट तो निकल जाएगा वो तो जीरो हो जाएगा सिर्फ आपको ये कंसिडर करना था तो आपका आंसर ये आता वन अपॉन वन प्लस उमेगा इस वन अपॉन वन प्लस ओमेगा इस ये हो जाता सर वन अपॉन टेन वन अपॉन टेन हो जाता वन अपॉन टेन हो जाता सर वन अपॉन टेन ओम या फिर जीरो पॉइंट वन ओम ठीक है वन अपॉन टेन ओम या फिर जीरो पॉइंट वन ओम क्यों क्योंकि ओमेगा बराबर इसमें आप कितना रखते थ्री ओमेगा बराबर कितना रखते थ्री रेजोनेट फ्रिक्वेंसी थ्री है तो इसका आंसर कितना आता तो इसका आंसर आता जेड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये कितना दिखता है यहां से जीरो पॉइंट वन ओम जीरो पॉइंट वन हो ठीक है तो जीरो पॉइंट वन हो तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है कि जेड सिर्फ रेजोनेट फ्रीक्वेंसी नहीं वो आपको घुमाकर सवाल पूछ सकता है कि इंपीडेंस बताओ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर इसका मतलब वो आपके दो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है इसका सीधा सीधा मतलब है वो आपके दो कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है और वो ये चेक करना चाहता है कि आपको बेसिक आता है या नहीं आता है वो ये चेक करना चाहता है कि आपको बेसिक आता है या नहीं आता है मतलब एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि पहले इसका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकालो तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं सीरीज आर एल सी नहीं दूंगा तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे ये कॉन्सेप्ट चेक कर लिया और उसके साथ साथ उसने दूसरा ये भी चेक कर लिया कि जेड जो है वो रियल होता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर ये आपको पता है या नहीं ये चीज़ भी आपको पता है ठीक है तो उसने ना आपके दो कॉन्सेप्ट यहां पर चेक करे तो दो कॉन्सेप्ट आपके चेक करे तो इस तरीके से एग्जामिनर सवाल पूछता है तो पहले वो क्या करेगा एक चीज निकलवाएगा और उसका एप्लीकेशन दूसरे में लगवाएगा तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको चेक करेगा और ये अगर बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी तो डेफिनेटली आप ये सवाल करके ले जाओगे इस सवाल में ऐसा तो कुछ था नहीं जो आपको नहीं आता हो ठीक है कुछ ऐसा सवाल नहीं था जो आपको नहीं आता हो ओके चलो अब एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं अब ये सवाल आपको करना है क्वेश्चन नंबर वन थ्री फोर सभी लोगों को करना है ठीक है मैं जब तक पांच मिनट रेस्ट करूंगा ठीक है मैं इतनी देर से बोल रहा हूं अभी एक सवाल आपको करना है क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर बर्ग बुक का क्वेश्चन है किसका क्वेश्चन है बर्ग बुक का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर वन थर्टी फोर बर्ग बुक का क्वेश्चन है जिनके पास भी बर्ग बुक नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें फिर बता रहा हूं टेलीग्राम का लिंक आपको मिल रहा है टेलीग्राम का ग्रुप में शेयर हो रहा है चैट में शेयर हो रहा है आप ज्वाइन कर लें आपको वर्क बुक भी मिलेगी डेली का पी भी मिलेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में और रिविजन करने में मदद मिले है ना तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ और क्वेश्चन बना रहा हूँ वन तो जिनके पास वर्क बुक है वो तुरंत तैयार हो जाए तुरंत तैयार हो जाए सॉल्व करने के लिए और जिनके पास नहीं है वो मेरे पर डिपेंडेंट रहें ठीक है जब मैं बनाऊंगा तब वो सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सवाल ये है कि एक मेरे पास रजिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है एक रजिस्टेंस दे रखी है यहाँ पर यह रजिस्टेंस है इसके बाद हमारे पास एक इंडक्टर है और उसके साथ एक कैपेसिटर लगा रखा है ठीक है एक नीचे भी कैपेसिटर एक दे रखा है इस तरीके से ये कोई एक ऑर्डिनरी सर्किट हमको बना रखा है और यहाँ से ये एक सोर्स लगा रखा है एक सोर्स लगा रखा है ठीक है मुझे नहीं मालूम ये सोर्स क्या है ये ये एक सोर्स लगा रखा है ये ये इस तरीके का ठीक है ये तो इनकी अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये दे रखा है उसने टेन ओम यहां पर कोई सोर्स है बी एस लेकिन वैल्यूज नहीं है ये है फोर हेनरी फोर हेनरी वन फेरड एंड वन फेरेड वन फेरड एंड वन फेरेड चलो इसका आंसर बताओगे कि क्या आएगा वो पूछ रहा है फाइंड आउट दी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इसकी हमको बतानी है तो क्वेश्चन आपके सामने देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देख लो आप कैसे सॉल्व करना है ठीक है मैं जब तक कोई दूसरा क्वेश्चन चेक करता हूँ कि भाई दूसरा और कोई क्वेश्चन मेरे को मिल जाए कैसे कैसे कोई क्वेश्चन और मिल जाए मेरे को अच्छा सा एक क्वेश्चन है क्या अपने पास यस yes. एक क्वेश्चन और है चलो अभी देखेंगे इसको पहले इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे ठीक है हाँ एक कोई भाई साहब हैं रवि कुमार बोल रहे हैं सर मैं दारू पी के पढ़ रहा हूं इसमें एक कमेंट में एक लोग हैं वो कह रहे हैं सर मैं दारू पी के पढ़ रहा हूँ तो भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप दुनिया में आज तक ऐसा कोई काम कर ही नहीं पाया है आप जो काम कर रहे हो ना वो जीवन में सबसे ज़बरदस्त काम आप ही कर रहे हो समझ रहे हो ऐसा काम कोई नहीं कर पाएगा ये ध्यान रखना ऐसा काम कर दिया है आपने कि आपको तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आना चाहिए घर पर आएंगे वो आपके कि भाई ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हो ऐसा काम तो और कोई कर ही नहीं पाएगा जो आपने काम कराया ना आज बेहतरीन तरीके से तो ऐसा काम कोई नहीं कर पाएगा तो बड़ा अच्छा लगा कि आप जो है यहाँ पर दारू पी के पढ़ रहे हो समझ रहे हो तो इन चीज़ों को आप ख्याल रखें कि भाई आप क्या बोल रहे हो ठीक है तो ऐसा जो है बर्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है इसके लिए आपको जरूर ऑस्कर दिलवाया जाएगा तो चलो इसको आंसर करो भाई इसका आंसर करेंगे सभी लोग ओहो कहाँ पहुँच गया सर्किट ये और ये सर्किट जो है इधर से उधर भाग रहा है ठीक है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे इसका आंसर इसका आंसर कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग ठीक है हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है हमको सिर्फ और सिर्फ इसका इंपीडेंस निकालना है इंपीडेंस चेक करना है इंपीडेंस सब लोग चेक करेंगे ठीक है क्या करेंगे सर इंपीडेंस चेक करेंगे इसका तो इंपीडेंस इसका चेक करेंगे और इंपीडेंस चेक करने के बाद ना इसका आंसर निकालेंगे तो सेशन को एक बार लाइक कर देंगे फटाफट और इसका आंसर बताएंगे कि कितना आ रहा है तो इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं इसको मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं मैं आप ही तरफ छोड़ दे रहा हूं एक क्वेश्चन क्योंकि मेरे को एक क्वेश्चन और मिला है बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है पहले अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन मैंने मिला है इस बर्ग बुक में अपनी बर्ग बुक में एक जबरदस्त क्वेश्चन है हमारे पास क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है वन थर्टी एट वन थर्टी एट तो क्वेश्चन नंबर मैं वन थर्टी एट ले रहा हूँ इसको मैं छोड़ रहा हूँ ठीक है इस क्वेश्चन को मैं नहीं कर रहा हूँ सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइम टेकिंग है लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर वन थर्टी एट ले रहा हूँ ठीक है क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं वन थर्टी एट क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ वन थर्टी एट यार ये क्वेश्चन सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन है ठीक है इस पर ना फाइव स्टार लगा देना ये फाइव स्टार कर देना इस पर क्या कर देना फाइव स्टार ये क्वेश्चन सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है सबसे ही जबरदस्त क्वेश्चन मेरे को ये लगा ठीक है चलो देखो भाई अभी सब लोग कोई करेगा नहीं क्वेश्चन कोई भी लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे सब लोग इधर दे देखेंगे मेरी तरफ कोई भी लोग ना अभी क्वेश्चन नहीं करेंगे सही है कोई क्वेश्चन नहीं करना है सबको बस मेरी तरफ देखना है क्वेश्चन मैं ले ले रहा हूँ क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि क्या है क्वेश्चन में बोला गया है एक सीरीज एल सी आर सर्किट है ऑपरेटेड एट अ फ्रिक्वेंसी डिफरेंट फ्रॉम इट्स रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी एक हमारे पास एल सी आर सर्किट है यानी कि उन्होंने कहा है एक हमारे पास सीरीज आर एल सी सर्किट है तो सीरीज आर एल सी सर्किट है एक हमारे पास आर है एक एल है और एक हमारे पास सी है ये ये आर एल सी सर्किट है और यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है यहाँ पर क्या लगा रखा है सोर्स <coughs> <coughs> यहाँ पर एक सोर्स लगा रखा है ये बी एस है सोर्स और यहाँ पर वैल्यूज़ दे रखी हैं आर एल और सी ठीक है ये आर एल सी सर्किट है और उन्होंने बोला है कि ये जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ उन्होंने बता रखी हैं ये वन ओम है ये वन हेनरी है और ये वन फेरड है वन फेरड है इसमें कोई करंट जा रही होगी आई यही करंट वापस आएगी यहां से आई यही करंट यहां से वापस आएगी ठीक है <coughs> क्या बोला गया है दफ अब उन्होंने बोला है कि ये जो सर्किट है ये जो सर्किट है उन्होंने क्या बोला है ये सर्किट है ये कहां ऑपरेट कर रहा है सर्किट ऑपरेट एट सर्किट ऑपरेट एट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ओमेगा ले ले रहा हूँ ओमेगा, ठीक है सर्किट ऑपरेट ऐट अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सर्किट ऑपरेट ऐट अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये सर्किट जो है किसी फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है जिसका नाम है ओमेगा और ये ओमेगा जो है इट डज नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है ठीक है ध्यान से समझना ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं है ठीक है ये उसके बाद बोल रहे हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज सच दैट करेंट लीड्स दी सप्लाई वोल्टेज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज सच दैट करेंट लीड्स दी सप्लाई वोल्टेज यानी कि इस वाली फ्रिक्वेंसी पर ये जो फ्रीक्वेंसी आपने ली है इसमें जो करेंट है आई दैट लीड विद सप्लाई वोल्टेज दैट लीड विद सप्लाई वोल्टेज ठीक है दैट लीड विद सप्लाई वोल्टेज ये बोला गया है दैट लीड विद सप्लाई वोल्टेज ओके दैट लीड विद सप्लाई वोल्टेज इतना हमको सब कुछ दिया गया है दोबारा मैं यहां पर ब्रीफ कर दे रहा हूं दोबारा सुनना सवाल सुनना सवाल बहुत जबरदस्त फ्रेम करा गया है रेजोनेंस पर ठीक है सवाल सुनना दोबारा क्या बोला गया है ये सवाल ना एक बार पढ़ने में नहीं आएगा सवाल में क्या बोला गया है अगर आप ध्यान से समझोगे सवाल में बोला क्या गया है इस चीज को समझना कि सवाल में ना यहां पर बोला क्या गया है हमसे हमसे कहा क्या गया है अगर आप ध्यान से समझोगे इस सवाल को सवाल में बोला गया है एक सीरीज आर सर्किट है ठीक है क्या है हमारे पास सर सीरीज आर सर्किट है ठीक बिल्कुल समझ में आया सारी वैल्यूज उस गेबे बहुत बढ़िया लेकिन इसमें यह बोला गया है कि जो सर्किट है वो ऑपरेट कर रहा है किसी फ्रिक्वेंसी ओमेगा पर किसी फ्रिक्वेंसी ओमेगा पर ऑपरेट कर रहा है ठीक है लेकिन वो ओमेगा ओमेगा नॉट नहीं है यानी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं है इट इज़ ऑपरेटेड अदर देन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अदर देन रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी यानी कि एग्जामिनर ने ना एग्जामिनर ने हमको बोल के बता दिया कि भाई ये सर्किट रेजोनेंस पे जा सकता है ये सर्किट रेजोनेंस पे जा सकता है क्योंकि उसने बोला है कि ये फ्रिक्वेंसी जो है वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के बराबर नहीं है यानी कि सर्किट कहीं ना कहीं रेजोनेस पर जा सकता है और जो फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा है वहाँ पर करंट लीड कर रही है किससे वोल्टेज से करंट क्या कर रही है लीड कर रही है वोल्टेज से करंट कर रही है लीड वोल्टेज से ठीक है करंट कर रही है लीड वोल्टेज से तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको दी इतनी इंफॉर्मेशन दी और उसके साथ साथ उसके साथ साथ उसने ये भी बताया है कि जहाँ पर यह लीड कर रही है जहां पर यह लीड कर रही है इस ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी पर जो करेंट का मैग्नीट्यूट है करेंट की जो वैल्यू है वो है मैक्सिमम करंट का आधा मैक्सिमम करंट का आधा इस फ्रिक्वेंसी पर जो वैल्यू है करंट की वो है आई मैक्स डिवाइड बाई टू ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इस पूरे सवाल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो एक ये है और एक ये है ये है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस सवाल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है. है ना वो ये है आप कितना भी रेजोनेंस पढ़ लेना अगर आप ये सब चीज़ें नहीं समझ रहे हो तो फिर आपसे ये सवाल नहीं बनेगा तो अब तक का सबसे बेहतरीन सवाल यही है और यकीन मानिए सारी चीज़ें आपको आती हैं सारी चीज़ें आपको आती हैं आराम से आपसे सवाल सॉल्व होगा बस आपको पॉइंट्स पकड़ने हैं ठीक है थीके? चलो अगर कोई अगर मेरे से ये पूछेगा रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी इसकी अगर पूछता अगर इसकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पूछता तो हम निकाल देते ना इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर पूछता तो कितनी आती बन अपॉन अंडर उड एल सी आ जाता बन अपॉन अंडर उड एल सी इसका मतलब ये आ जाता बन ये आ जाता बन रेडियन पर सेकेंड बन रेडियन पर सेकेंड ये रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी आती लेकिन उसने रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी नहीं पूछी है उसने कौन सी फ्रिक्वेंसी पूछी है ये हमको कैसे पता चलेगी ये हमको पता चलेगी ये हमको पता चलेगी जब हम रेजोनेंट का ग्राफ बनाएंगे तब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी एक रेजोनेंट का ग्राफ बनाएंगे सीरीज रेजोनेंस से करंट ऐसे करके आता है करंट ऐसे चलता है यह पॉइंट कौन सा होता है आपको मालूम है क्या यह पॉइंट सर कौन सा होता है सर यह पॉइंट होता है ओमेगा नोट वाला यह पॉइंट होता है सर आई मैक्स वाला सर यह वैल्यू होती है आई मैक्स सर यह वैल्यू होती है आई मैक्स क्या होती है सर आई मैक्स सर यह वैल्यू क्या होती है आई मैक्स आई मैक्स होती है यस yes, सर ये वैल्यू सर आई मैक्स होती है आई मैक्स बराबर सर कितना होता है आई मैक्स बराबर होता है सर बी आर अपॉन आर ये होता है सर बी आर अपॉन आर आई मैक्स ठीक है ये ये होता है सर आई मैक्स अब ध्यान से देखना ये जो वैल्यू होती है सर ये यहां से यहां ये ये वैल्यू होती है सर ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट यहाँ पर हमारा सर्किट ना लैग करता है यहाँ पर हमारा करंट लैग करता है और सर पीछे आएंगे पीछे आएंगे ये ये होता है सर ओमेगा इज ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट सर ये होता है ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट और यहाँ पर हमारा सर्किट में करंट जो है वो लीड करता है ये लीड करता है ये पोर्शन लैग का होता है ये पोर्शन लीड का होता है और ये होती है सर रेजोनेंट पीक ये होती है सर रेजोनेंट पीक यहाँ से समझिए ये होती है रेजोनेंट पीक इतना हमको सब आता है ये सब हमको मालूम है ठीक है ठीक है अब वो बोल रहे हैं कि हमको वो फ्रिक्वेंसी निकालनी है जहाँ पर करेंट मैक्सिमम का डिवाइड बाई टू हो जाए करेंट मैक्सिमम का डिवाइड बाई टू हो जाए तो ये मैक्सिमम है और करंट आधा कहां होगा मैक्सिमम का आधा कहां होगा यहां कहीं होगा यहां कहीं होगा ये 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 वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स वाई टू ये समझ में आ रहा है करेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का आधा ये मैक्सिमम है तो आधा यहाँ कहीं होगा तो इसके करेस्पोंडेंस एक लाइन मार दूंगा मैं यहाँ ये लाइन खींचूंगा तो यहाँ पर दो पॉइंट मिलेंगे एक ये एक ये दो पॉइंट मिलेंगे दो पॉइंट मिलेंगे इस कर्व पर यस सर दो पॉइंट मिलेंगे लेकिन ये पॉइंट थ्री डी बी पॉइंट नहीं है ये पॉइंट थ्री डी बी पॉइंट नहीं है भाई इस चीज का ध्यान रखना कोई भी दो पॉइंट थ्री डी पॉइंट नहीं होंगे ये थ्री डी पॉइंट नहीं है थ्री डी पॉइंट पर क्या होता है आई मैक्स डिवाइड तो, बाई रूट टू होता है यहां पर आई मैक्स बाई टू है ये थ्री डी पॉइंट नहीं है ठीक है ये थ्री डी पॉइंट नहीं है तो यहां से हमको दो फ्रिक्वेंसी मिलेंगी एक फ्रिक्वेंसी ये मिलेगी और एक फ्रिक्वेंसी मेरे को ये मिलेगी ये कन्फर्म है यस सर ये कन्फर्म है ये कन्फर्म है ठीक है ये तो ये पॉइंट की एक फ्रिक्वेंसी ये मिलेगी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा एक्स इसको ओमेगा एक्स लिख सकता हूँ कुछ भी लिख दो अपने मन से लेकिन ओमेगा एच मत लिखना ओमेगा एच नहीं लिखोगे ओमेगा एच होती है थ्री डी की फ्रिक्वेंसी तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो ओमेगा एक्स और सर ये फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी ये अपनी तरफ से लिख दो आप ओमेगा बाई ठीक है ये ओमेगा बाई है ना और उसने क्या बोला है करेंट जो है वो लीड कर रही है वोल्टेज से तो करेंट वोल्टेज से लीड कर रही है तो कौन से पोर्शन में आएंगे ये ओमेगा बाई वाले में या ओमेगा एक्स वाले में तो हम लोग आएंगे ओमेगा बाई वाले में हमको निकालना है ओमेगा बाई हमको ये निकालना है ये ये निकालना है ओमेगा बाई हमको ओमेगा एक्स नहीं निकालना हमको निकालना है ओमेगा बाई क्योंकि हमको लीडिंग पोर्शन में आना है ठीक है तो यहां से उसने क्या बोला जो करेंट है वो कितनी हो रही है सर आई मैक्स की आधी हो रही है इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी यानी कि हमको ये वाली फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और ये थ्री डी बी नहीं है लड़के यही गलती कर देते हैं वो यहां तक समझ में आता है उनको आई लीड बाई बी उनको समझ में आता है कि आई लीड बाई बी कर रहा है यानी कि वो इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है और वो तुरंत कैलकुलेट क्या कर देते हैं लोअर थ्री डी बी कैलकुलेट कर देते हैं वो ये नहीं देखते कि एग्जामिनर ने क्या दिया है आई बराबर आई मैक्स बाई टू दिया है अगर ये आई बराबर आई मैक्स बाई रूट टू होता मैं क्या बोल रहा हूं अगर आई बराबर आई मैक्स बाई रूट टू होता तो डेफिनेटली आप यहां पर ओमेगा एल निकाल सकते थे लेकिन चेंज कर दिया है उसने सिनेरियो सिनेरियो क्या कर दिया आई मैक्स बाई टू यानी कि मेरे को ये फ्रीक्वेंसी चाहिए ओमेगा बाई क्या चाहिए सर ओमेगा बाई ओमेगा एक्स नहीं चाहिए ओमेगा बाई चाहिए लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा है कि हम तो ना ओमेगा एक्स भी निकाल सकते हैं और ओमेगा बाई भी निकाल सकते हैं दोनों निकाल सकते हैं हम हम दोनों निकाल सकते हैं ठीक है तो इन दोनों पॉइंट्स पर मैंने कल एक कंडीशन लिखाई थी इस वाले पॉइंट की एक कंडीशन लिखाई थी क्या थी सर एक्सेल माइनस बराबर कितना था अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस वन इंटू आर ये था इसके लिए और सर इसके लिए कंडीशन क्या थी एक्स एल माइनस एक्स सी इक्वल टू माइनस का अंडर रूड ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इंटू आर ये था इसके लिए ऐसे करके कंडीशन लिखाई थी ना ऐसे करके कुछ कंडीशन लिखाई थी ना इक्वल टू सर कितना था इक्वल टू माइनस का अंडर रूड ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इंटू आर कुछ इस तरीके से मैंने कंडीशन लिखाई थी दो कंडीशन लिखाई थी ठीक है तो मैं इस वाली कंडीशन को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर इस वाले कंडीशन को यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर तो इस वाले कंडीशन को मैं यूज़ करता हूँ तो मैं लिख देता हूँ फॉर फॉर ओमेगा बाई फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ओमेगा बाई तो ओमेगा बाई के कैलकुलेशन के लिए क्या हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्स सी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर माइनस का अंडर उड ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन इंटू आर ये हो गया एन की वैल्यू कितनी होगी सर एन की वैल्यू होगी सर दो, दो होगी एन की वैल्यू क्यों होगी दो क्योंकि जितने से डिवाइड हो रहा होता है वो लेते हैं तो यहाँ सर दो आ जाएगी और एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी सर एक्सएल की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाई एल माइनस एक् की वैल्यू क्या हो जाएगी सर ओमेगा बाई सी क्योंकि उमेगा नहीं लेंगे या उमेगा बाई लेंगे क्योंकि उमेगा बाई पर निकाल रहे हैं तो सर ये आ जाएगा इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का सर इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ आर थ्री टाइम्स ऑफ आर एल की वैल्यू सर वन है तो ये हो जाएगा उमेगा बाई सर ये हो जाएगा माइनस उमेगा बाई क्योंकि इसकी वैल्यू भी कितनी है वन इक्वल टू सर कितना आ जाएगा माइनस रूट थ्री आर की वैल्यू भी वन है आर की वैल्यू भी वन है तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा स्क्वायर बाई माइनस वन इक्वल टू माइनस रूट थ्री टाइम्स ऑफ ओमेगा बाई सर ये बन जाएगा यहाँ से ये यह बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हम इसको सॉल्व कर लेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सर ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बाई इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का रूट थ्री टाइम्स ऑफ ओमेगा बाई सर रूट थ्री टाइम्स ऑफ ओमेगा बाई और एक वन तो इधर है ही तो सर इधर आ जाएगा माइनस वन इक्वल टू जीरो ये आ गई सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर ओमेगा वाई की दो वैल्यू आएंगी तो मुझे बताओगे कि ओमेगा वाई की कितनी वैल्यू आएंगी ओमेगा वाई की जो दो वैल्यू आएंगी वो कोई बताएगा कि कितनी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ से ओमेगा बाई की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस करती हुई ठीक है या फिर देख लेना जो भी वैल्यू आ रही मैं ऐसे नहीं बोल सकता ठीक है यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी ओमेगा बाई की तो एक आएगी प्लस और एक आएगी सर माइनस तो चेक कर लो ओमेगा बाई की कितनी वैल्यू आएगी ओमेगा बाई की कितनी वैल्यू आएगी ये तो ओमेगा बाई की जो वैल्यू पॉजिटिव आ रही हो जो वैल्यू पॉजिटिव आएगी दैट विल बी आवर आंसर तो वो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ठीक है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसको ना सॉल्व कर लेना जितनी भी वैल्यू आ रही हो जितनी भी वैल्यू आ रही हो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ओमेगा बाई हमारा आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा ओमेगा बाई ओमेगा बाई हमारा आंसर है ठीक है सर पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या है पिछले क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम क्या आ रहा है ऑप्शन दे रखे हैं जो भी आंसर आ रहा है निकाल लो मेरे को खुद नहीं मालूम क्या आया है ठीक है तो यहां पर ओमेगा वाई की वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके मुझे बता दो कि ओमेगा वाई की वैल्यू क्या आएगी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर ओमेगा वाई की वैल्यू क्या आएगी ठीक है ठीके? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं आपकी साइड छोड़ा हूं मेरे को आंसर बता दो सर कितना आएगा इसका आंसर बताओगे कितना आएगा ओमेगा बाई का सो व्हाट इज द आंसर ऑफ ओमेगा बाई टेल मी द आंसर ऑफ ओमेगा बाई कोई तो कैलकुलेट करके बताएं फटाफट ओमेगा बाई का आंसर क्या आएगा तो बड़ा ही अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है ओमेगा बाई का आप आरा, आराम से आंसर निकाल सकते हो ठीक है तो इसको कैलकुलेट कर लो एक बार कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर लो अदरवाइज तरह चारे लगा कर भी अपन सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो इसको बताओ फटाफट आंसर कितना आ रहा है फटाफट इसका आंसर कितना आ रहा है वॉट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा बाई तो जीरो पॉइंट फोर फाइव जीरो पॉइंट फोर फाइव इसका आंसर आना चाहिए तो जीरो पॉइंट फोर फाइव तो जैसे कि आंसर बताया है किसका आंसर आ रहा है जीरो पॉइंट फोर फाइव अब जीरो पॉइंट फोर फाइव आंसर आ जाएगा ठीक है तो इसका आंसर जो भी आ रहा है जीरो पॉइंट फोर फाइव वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो तो ओमेगा वाई का जो भी आंसर आ रहा है वो आराम से कैलकुलेट आप कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो क्या जीरो पॉइंट फोर फाइव जो भी आंसर आ रहा हो ठीक है तो जो भी आंसर आएगा हम यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है तो ओमेगा वाई का आंसर आएगा अब अगर ओमेगा एक्स का आंसर वो पूछता एग्जामिनर ये पूछता ओमेगा एक्स का आंसर तो अपन ओमेगा एक्स का भी आंसर निकाल देते ओमेगा एक्स का अगर आंसर पूछता तो हम लोग ओमेगा एक्स का भी आंसर निकाल देते निकाल देते या नहीं निकाल देते तो इसको ट्राई करना घर पर घर पर ट्राई करना ओमेगा एक्स की वैल्यू निकालना ठीक है ओमेगा एक्स की वैल्यू निकालना एक बार घर पर ट्राई करना कि कितनी आ रही है ओमेगा एक्स की वैल्यू ठीक है चेक करना घर पर ठीक तो ये इस तरीके का एक क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा और सारी की सारी लैंग्वेज उन्होंने हमको दी यहाँ पर हमको ओमेगा इस सब की वैल्यू हमको दी तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ना कोई फार्मूला नहीं होता ऐसे क्वेश्चन का कोई फॉर्मूला नहीं होता आप सोचो मैं फॉर्मूले से कर लूंगा ऐसा नहीं होता है इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ चाहिए आपको एकदम चीज़ें याद आनी चाहिए तो इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे अच्छा पॉइंट था जो सीखने वाला पॉइंट था वो ये दो ही पॉइंट थे आई लीड्स बी एस और दूसरा पॉइंट ये था आई इक्वल टू आई मैक्स बाई टू ये चीज़ें आपको समझने में आनी चाहिए हो सकता है अगली बार एग्जामनर आपसे पूछे कि i बराबर आई मैक्स बाई पर बता दो i बराबर आई मैक्स बाई पर बता दो और यहां पर करंट i लीड की जगह लैग कर देगा i लीड की जगह क्या कर देगा लैग कर देगा तो अगर लीड की जगह लैग कर देगा और i मैक्स बाई बाई सिक्स कर देगा तो आपसे सॉल्व नहीं होगा क्या क्या आप सॉल्व नहीं कर पाओगे यस सर डेफिनेटली सॉल्व कर पाऊंगा डेफिनेटली सॉल्व कर पाऊंगा ठीक है डेफिनेटली मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा क्यों नहीं सॉल्व कर पाऊंगा आराम से सॉल्व कर पाऊंगा ठीक है तो यहां से हमको मिला और एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन मेरे को लगा इस क्वेश्चन में आप लोग ओमेगा एक्स जरूर निकालें क्योंकि अगर आप कितनी भी बुक पढ़ लीजिएगा अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है ये ये कर्व से आपको खेलना नहीं आता है रेजोनेंस के कर्व से आपको ये पॉइंट नहीं मालूम है एक्सएल माइनस एक्सी बराबर दिस आपको ये नहीं मालूम है एक्सएल माइनस एक्सी बराबर दिस ठीक है अगर आप ये चीज़ नहीं जानते ना तो फिर आपसे काम नहीं बनेगा ठीक है आपसे काम नहीं बनेगा तो ये ना बेसिक चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूं ना मैं टाइम जरूर ले रहा हूं लेकिन ना एक एक चीज़ एकदम क्लियर करके चल रहा हूं कि ना ये चीज़ें यहां होती हैं आपको ना दिमाग में रखनी पड़ेगी ठीक है तो चीज़ें आपको दिमाग में एकदम रखनी पड़ेंगी गॉट इट तो ये सवाल जो था ये मेरे को सबसे अच्छा सवाल लगा जो अब तक के क्वेश्चन आए हैं जो भी क्वेश्चन आए हैं हमारे गेट एग्जाम में ठीक है उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को यही लगता है और ये क्वेश्चन लगता है और मेरे को बहुत ही अच्छा इसलिए भी लगता है क्यों लगता है क्योंकि ना इस क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा है जो उन्होंने का पूछने का स्टाइल है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने कोई फिगर नहीं दिया कोई भी फिगर नहीं दिया है सिर्फ पूरा का पूरा क्वेश्चन थ्योटिकल लैंग्वेज में दिया है थियोटिकल लैंग्वेज में दिया है तो जब क्वेश्चन थियोटिकल लैंग्वेज में आ जाता है तो चीज़ें अपने आप ही कम ट्रैक हो पाती हैं क्योंकि हमको पूरा विजुलाइजेशन करना पड़ता है कि एक सर्किट ऐसा होगा इसके अंदर ऐसे फिगर बन रहा होगा ये रेजुनेंस होगा यहाँ लेग होगा या लीड होगा इस तरीके का पूरा विजुलाइजेशन हमको करना पड़ता है तो जब आप विजुअल देते हैं ना जब चीज़ें को समझते हैं तब आपकी कैपेबिलिटी और बढ़ती है ठीक है तो कैपेबिलिटी और बढ़ती है तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि ना प्रैक्टिस करते रहें जितना हो सके ना प्रैक्टिस करें जितना भी हो सके ट्राई करें मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन सॉल्व करें मैक्सिमम टाइम ट्राई करें क्वेश्चन सॉल्व करें मैक्सिमम टाइम ट्राई करें रिवीजन करने का तो अपने दिन को ना डिवाइड कर लो इस समय टाइम है अभी अपने दिन को पूरे दिन को ना डिवाइड कर लो किस में डिवाइड कर लो एक स्लॉट्स बना लो कि ना दो घंटे सुबह मुझे क्लास करनी है उसके बाद दो घंटे मेरे को रिवीजन करना है फिर दो घंटे या तीन घंटे में कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है इस तरीके से अभी ना स्लॉट बना लोगे तो ये अभी फरवरी तक की मेहनत है फरवरी तक का आपको ऐसा लग सकता है कि फरवरी क्योंकि देखो ड्रीम तो सबका ही है ये तो मान के चलो कि ड्रीम तो तुम्हारा है कि तुम टॉप रैंक निकालो इसमें कोई दो राय नहीं है इसको कोई बदल नहीं सकता ठीक है इसको कोई भी नहीं बदल सकता अब रैंक आए ना आए वो एक अलग बात है लेकिन ड्रीम तो आप सबका ही है ना कि मेरे को एक अच्छी रैंक निकालनी है और ड्रीम होना भी चाहिए इसमें कोई गलत बात थोड़ी है कम से कम आप हो सकता है पैसों से गरीब हो सकते हैं लेकिन आप अपनी सोच से थोड़ी गरीब हो सकते हैं जब सोचना है तो तगड़ा ही सोचो ना ऐसा छोटा मोटा क्यों सोचना तो ड्रीम तो आपको एकदम हाई रखना है ड्रीम आपको एकदम हाई रखना है कि भाई मेरा जो ड्रीम लेवल है ना वो बहुत ऊपर है तो ये तो कंफर्म मान के चलो आप कि ना गेट में रैंक लाना ये ड्रीम तो सब का है जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं ठीक है थीके? सब तैयारी कर रहे हैं लेकिन वो पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है ये चीज़ आपको देखनी है और जब आपने ड्रीम देखा है तो पॉसिबल भी होगा बिल्कुल पॉसिबल होगा बस आपको एक प्रॉपर ना पाथ फॉलो करना है एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना है जैसे ही आप प्रॉपर पाथ फॉलो करोगे डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे अब पाथ कैसे फॉलो करना है ये चीज़ आपको देखनी है आपको बनाना है कागज पर बैठ के कि मेरे को दो घंटे इधर पढ़ने हैं फिर दो घंटे मेरे को प्रैक्टिस करनी है फिर मेरे को दो घंटे दूसरी क्लास करनी है फिर मेरे को एक घंटे रिवीजन देना है तो टोटल जो 24 घंटे हैं उसमें से कम से कम 10-11 घंटे ना दस से ग्यारह घंटे हो सके मुझे नहीं मालूम कि आप दस घंटे पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे मैं नहीं जानता लेकिन सच्चाई यही है कि ये टाइम है जितना ज़्यादा हो सके एफर्ट डालने का सच्चाई तो यही है सच्चाई यही है कि जितना हो सके ना उतना एफर्ट डालिए जितना हो सके उतना एफर्ट डालिए इस समय ठीक है क्योंकि इसके बाद फरवरी के बाद आपके पास टाइम है और अगर आप थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हैं तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ आप ना एकदम दम के साथ तैयारी करो क्योंकि जितने ड्रॉपर्स हैं वो जानते हैं कि टाइम कहाँ बर्बाद हुआ है तो उनको तो समझाने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि वो तो एकदम दिल से लगे हुए हैं उनके पास तो टाइम है लेकिन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों के पास थोड़ी टाइम की क्राइसिस हो सकती है क्योंकि वो लोग ना कॉलेज की क्लासेस भी करते हैं कॉलेज जाना भी रहता है अटेंडेंस भी रहती हैं तरह तरह के तमाम काम भी रहते हैं फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट रहता है कुछ आ, कॉलेज के जो कॉलेज के टेस्ट होते हैं वो सब चीज़ें रहती हैं तो फाइनल ईयर और थर्ड ईयर वालों के साथ थोड़ा सा टाइम का कंस्टेंट हो सकता है लेकिन जो ड्रॉपर है वो तो दम से लगे हुए हैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा वो तो इस बार रैंक निकालने की ऊपर ही लगे हुए हैं कि मेरे को रैंक निकालना है लेकिन थर्ड ईयर और फाइनल ईयर वालों के पास थोड़ा सा टाइम का कंसटेंट हो सकता है तो वो मैनेज करना पड़ेगा उसको मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा कम सो लो थोड़ा सा कम दोस्तों यारी दोस्ती यारी कर लो लेकिन टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा टाइम नहीं दोगे ना यकीन मानना आउटपुट नहीं आएगा आपसे बस एक ही चीज़ चाहिए कि आप टाइम दें अब देखो ना कितना मतलब मैं सब चीज़ें कोशिश करता हूँ कि आपको एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाऊँ एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ लेकिन आप देखो ना कि किस तरीके से लोगों का डेडिकेशन है ठीक है दिन पे दिन लोग कम ही होते जा रहे हैं तो डेडिकेशन आप लेवल समझ सकते हो कि ना ये आसान नहीं है ये एक जर्नी है आधे से ज़्यादा लोग तो यहीं फ्लॉप हो जाते हैं और ऐसा ही होता है ऐसा ही होता है जब आप कोई नया कोर्स या नया सब्जेक्ट लाते हैं एकदम बम पर रेस्पॉन्स आता है लेकिन जैसे जैसे आते हैं तो आदमी की हिम्मत टूटने लगती है और यहीं से जनता आदि बा, बाहर होने लगती है फिर वही लोग जाके बाद में बोलते हैं कि यार गेट का एग्ज़ाम तो बहुत टफ़ आता है और यार हमसे हो नहीं पाता ये नहीं कर पाते ये तो लक से पहुंच गया है वहाँ तक ऐसा नहीं है भाई उस व्यक्ति ने ना अपना एफर्ट लगाया है कॉन्टीन्यूटी ब्रेक नहीं करने दी है तो बस मेरा एक ही सवाल है आपसे कि ना और एक ही मेरा सजेशन है आप सभी के लिए कि कॉन्टीन्यूटी ब्रेक मत होने देना कॉन्टीन्यूटी ब्रेक हुई ना तो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी कॉन्टीन्यूटी ब्रेक मत होने देना चाहे थोड़ा पढ़ो लेकिन पढ़ना है ओके okay? तो आपकी जो सोच है वो एकदम सही होनी चाहिए एक अच्छी एक पॉजिटिव थॉट होना चाहिए आपके पास कि मैं इसके सहारे चल रहा हूं आगे ठीक तो कल को अगर आपका एडमिशन कहीं आई में हो जाता है आई बॉम्बे में हो जाए आई मद्रास में हो जाए और आप वहाँ जाके पढ़ें या फिर आप किसी पी में सेलेक्ट हो जाए या फिर आपका एक बहुत अच्छा रैंक आ जाए तो अपने आप में आपका जो पूरी मेहनत है ना जो आपकी उंगलियों में दर्द हुआ है लिखते लिखते वो सब रिकवर हो जाएगा वो सब ना दो मिनट चार मिनट में रिजल्ट आता ही रिकवर हो जाएगा आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि जो उंगलियां आपकी टूट गई थी लिखते लिखते आपको ये भी ध्यान नहीं रहेगा कि मेरी उंगली भी टूटी थी कभी आपको कुछ ध्यान नहीं रहेगा बस आपको ये ध्यान रहेगा कि आई एम द बेस्ट और मेरे को बहुत बेहतरीन फीलिंग आ रही तो इसी थॉट के साथ आज की क्लास को ऑफ करते हैं कल मिलते हैं कल मैं आपको पैरल रेजोनेंस के बारे में बताता हूँ ठीक है तो बाय बाय फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच और इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते रहेंगे हमेशा हम आगे बढ़ेंगे कभी पीछे हटने की नहीं सोचेंगे ठीक है तो आपको कभी पीछे नहीं हटना है पीछे मुड़ के नहीं देखना है आपको सिर्फ देखना है अपने करियर के बारे में अपने बारे में और आगे बढ़ने के बारे में ओके तो एक बार जाने से पहले स्क्रीन को रेड कर देंगे और फिर यहां से मैं विदा लेता हूं और कल मिलेंगे तो कल मैं आपको पैरल रेजोनेंस के बारे में भी बताता हूं ओके तो पैरल रेजोनेंस के बारे में बताऊंगा बाय बाय फ्रॉम माई साइड थैंक यू वेरी मच